हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंद नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासि हे रूप दुर्गत जनै दयावनौकै हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्री जीव मिकुरुत मंद मति दयांगबरा। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुरितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब कर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि ये सूत मतलब क्या होता है। कहते जो रथ को चलाते ही उनको सूत कहते हैं। इसलिए श्री सुत गोस्वामी इनका जो जन्म है ये साधारण घर में जन्म हुए। लेकिन प्रश्न कौन कर रहे हैं बोले ये सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं। ये जो सौनकादि ऋषि है ये बड़े बड़े ऋषि और ये ब्राह्मण लोग हैं। लेकिन ये प्रश्न कर रहे हैं साधारण एक सुत गोस्वामी को जो सूत घर में जो रथ को जो चलाते हैं इनके घर में जो जन्म हुए हैं। बोले इसका तात्पर्य क्या है बोले भगवान की भक्ति में कितना जात पात पूछे ना कोई और हरि का भजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का कोई विचार नहीं। कहते जो भजन करते हैं वो बड़ा है
जैसे सबरी कौन सा जात में जन्म ली है, ये बिल्लिन की घर में जन्म हुई है, लेकिन ठाकुर जी इनकी छोटे बैर को खाए हैं। हनुमान जी कौन सा जात में जन्म हुए हैं, बोले बंदर। हनुमान जी खुद कहते हैं ऐसे वंश में मैंने जन्म लिया, अगर सवेरे उठ करके मेरे कोई मुख दर्शन करे, मेरे कोई नाम लेना, जिंदगी भर उसको भजने, दिन भर उसको भजने ही नहीं मिलेगा। लेकिन राम के भक्ति की महिमा देखो, मैंने भगवान की भक्ति करने का वजह से देखो घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही है। प्रहलाद महाराज राक्षस घर में जन्म हुए, लेकिन ठाकुर जी को खंभे से प्रकट कर दिए। विभीषण कौन सा जाति में जन्म हुए, राक्षस के वंश में, लेकिन जब राम दरबार लगता है ठाकुर जी उनको बराबर आसन में बैठाते हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान की भक्ति में कोई भैया जात पात का कोई विचार नहीं है। इसलिए जो भजन करता है वो बड़े हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बोले विप्रात दुई सड़ गुण जूत अरबिंद पदार बिंदा। ब्राह्मण का 12 गुण होता है। कहते अगर अभी तो कलयुग में एक भी गुण ना मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर ब्राह्मण का 12 गुण होता है, अगर उसका अंदर में पूरा के पूरा 12 गुण रहे, लेकिन भगवान की भक्ति से विमुख हो, बोले उससे एक चंडाल श्रेष्ठ है अगर वो भगवान की भजन करता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने का वजह से जैसे गुहा का चंडाल है, भगवान राम के मित्र हैं, ठाकुर राम की ये मित्र हैं, कहते वो तो अपना उधार होगा ही, लेकिन उसने अपना एक ही सी पीढ़ी को भी उधार कर लेगा। लेकिन अगर हम ब्राह्मण घर में जन्म हुए, जन्हेऊ नहीं, छोटी नहीं, गले में कंठी तिलक नहीं, गायत्री जप नहीं करते, फिर उसका क्या महत्व रह गया, उसका क्या महत्व फिर रह गया। इसलिए ब्राह्मण घर में जन्म होकर के अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भैया जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म बढ़िया होनी चाहिए हैं, तुम्हारी कर्म बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न कर रहे हैं, ये सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए उनका 6 प्रश्न था, उनका 6 प्रश्न का जो दूसरी प्रश्न थी, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, इसका उत्तर देते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोत भयम् जोगिनाम नृप निर्णित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले कलयुग में ठाकुर जी सबसे सरल उपाय रखे, बोले ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम को लो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कली योग के बलना मा आधारा, कली योग के बलना कलयुग के बाधना इसलिए कलयुग में केवल ठाकुर जी की हरि नाम ही कलयुग में सार है। बोले भैया हरि नाम को कौन कौन करनी चाहिए, कहते ऐसे नहीं जो संसार का माया में पड़े हुए केवल उन्हीं के हरि नाम करनी चाहिए, बोले नहीं, बोले मुक्त महापुरुष भी भगवान का नाम लेते हैं।
शंकर जी भी पंचमों में भगवान के नाम जप करते हैं, हनुमान जी भी दीन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम हनुमान भी जप करते हैं, गणेश भी जप करते हैं, ब्रह्मा का हाथ में भी माला है, सरस्वती का हाथ में भी माला है, ऐसे नहीं जो माया में फंसे हुए ही व्यक्ति को जप करनी चाहिए, नहीं बोले जो संपूर्ण रूप में माया से मुक्त हो गए वो भी भगवान के नाम करते हैं। बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकूत भयम्। अगर कोई अभय पाना चाहते हैं कहते उनको भी भगवान के नाम करनी चाहिए। बोले जोगी नाम निपर निर्मित हरे नामान कीर्तन, जितने ऋषि मुनि ये सब के सब एक ही बात बताए, भगवान की नाम ही कलयुग में सार है, ये हरि का नाम सबको ये हरि का नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो सबके सब, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कहते एक ही ब्रह्म है लेकिन एक ब्रह्म को कहते उनके तीन तरह के भक्त है, एक ज्ञानी है, एक योगी है और एक भक्त है। और एक ही भगवान को ये तीन तरह के व्यक्ति तीन रूप में दर्शन करते हैं। बोले ज्ञानी उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में दर्शन करते हैं। कहते योगी लोग उनको किस रूप में दर्शन करते हैं, बोले हृदय में ये एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं। लेकिन ये भक्त लोग उनको कैसे दर्शन करते हैं, बोले भगवान रूप में, कृष्ण जैसे श्याम सुंदर रूप है, भगवान राम रूप में, श्री नारायण रूप में दर्शन करते हैं। अभी प्रश्न होता है भैया ये क्या सबके सब बराबर ना क्या अलग है, अच्छे तरह से इस चीज को समझो, क्योंकि हमारे जो हिंदू लोग है ना बड़ी बड़ी कंफ्यूजन में सो पड़े हुए हैं। कोई आकर कहता है उसका तो रूप नहीं गुण नहीं वो निराकार है, वो निराकार ब्रह्म को ही ध्यान करो, और एक दिन वो ब्रह्म ज्योति में अपने आप को लीन कर दो। कोई कोई कहते हैं हृदय में जो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए अंगुल परिमाण में, कोई कहते भैया उसको ध्यान करो, कोई कहते कृष्ण को ध्यान करो राम को ध्यान करो। अब यहाँ प्रश्न होता है क्या सबके सब बराबर ना सबके सब कोई अलग, ये चीज अच्छे तरह समझ लो दिमाग में बैठा लो। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आम का सीजन, जैसे बड़े सुंदर सुंदर मार्केट में दशहरी चौसा और हापुस बड़े सुंदर आम आया, एक राजा ने एक सेवक को बोला मैंने सुना बड़े सुंदर आम आया है मार्केट में देख कर क्या हो, तो वो गया दूर से देखा एकदम पीले पीले रंग के आम बिक रहे हैं, देख करके वापस आ गया। बोले महाराज बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम बिक रहा है। दूसरे सेवक को भेजा तू देख कर क्या, उसने गया देखा भी उसको पर्स भी किया, देखा पका हुआ आम है, सूंघा बड़ा सुगंधी, वापस आया बोले आम कैसे, बोले महाराज एकदम पका हुआ बड़े सुगंधी आम है। राजा ने तीसरे सेवक को भेजा भैया तू देख कर क्या, वो भी गया वो भी देखा वो भी सुंघा बड़े सुगंधी, बोले 5 किलो आम दो। 5 किलो आम ला करके अच्छे तरह से पानी में भिगवाया और उसको अमणिया करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाया। जब आम को खाया ना बड़ा मीठा आम है, महाराज ने पूछा आम कैसे, बोले महाराज बड़ा मीठा आम है, देखो ये आम तीनों को तो मिला कि नहीं तीनों को, लेकिन मिलने पर क्या बराबर मिला है, सबको बराबर नहीं मिला है। इस चीज को उदाहरण देकर समझाते हैं, जो भगवान को दूर से केवल एक निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में दर्शन करता है ये कौन है, बोले ये ज्ञानी है। उदाहरण देते हैं जैसे सूरज है, हमें सूरज दूर से क्या दिखता है,
एक अग्नि पिंडला, इतना ही दिखता और कुछ नहीं दिखता है। लेकिन यही सब कुछ नहीं, सूर्य में 9 रथ, उनके घोड़े हैं, उनका अपना रथ है, उनकी पत्नी है, उनके परिवार है। लेकिन इस सूरज हमें क्या दिखता है दूर से, केवल एक ज्योति स्वरूप दिखती है। उसी तरह जो ज्ञानी लोग वो केवल भगवान को एक ब्रह्म ज्योति रूप में दर्शन करते हैं, इतना ही, और उसको आगे कुछ नहीं मिलता है। दूसरे व्यक्ति को भैया जिसने देखा भी, स्पर्श भी किया और सूंघा और वापस आ गया, कहते ये कौन है, बोले ये जोगी है, जो भगवान को हृदय में जो अंगुष्ट परिमाण रूप में जो परमात्मा रहते हैं उनकी पहुंच वहीं तक है, केवल उसको ध्यान करते हैं। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति गया, देखा भी, सूंघा भी और 5 किलो आम भी लेकर के आया, ठाकुर को भोग लगाया और उसने खाया, बोले आम कैसे, बोले भैया बड़ा मीठा आम। कहती ये कौन है, कहती ये भक्त है, ये भक्त है। कहते अगर कोई परिपूर्ण रूप में भगवान को प्राप्त करता है, कौन परिपूर्ण रूप में ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं, कहते एक भक्त ही भगवान को ये परिपूर्ण रूप में प्राप्त करता है। इसलिए कोई दुनिया में नहीं कहता है ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते हैं जोगी का भगवान। भगवान किसके भगवान, भक्त के भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं उद्धव, भक्त्या माम एकया ग्राह्य न बुधया न चटिकया, केवल मेरे को भक्त ही, भक्ति जो को द्वारा मेरे को भक्त लोग ही पूर्ण रूप में प्राप्त करते हैं। कहते ये जो भगवान ही, कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते ऐसे जो भगवान ही युग युग में अवतीर्ण होकर के अपना भक्तों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को ठाकुर जी विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की बात कथा है। कहते भगवान जो सर्वप्रथम अवतार ठाकुर जी, ये चतुष्ण रूप में ठाकुर जी ये अवतार लिए हैं। ये ब्रह्मा की मानस पुत्र हैं, सनक सनातन सनातन और ये सनत कुमार। कहते इनके जो उम्र है वो हर समय 5 साल की रहते हैं, इनकी उम्र कभी घटती नहीं कभी बढ़ती नहीं, हर समय एक ही उम्र में रहते हैं। कहते इनका जीवन क्या है, बोले कृष्ण कथा मात्र के जीवन। हमारा जीवन जैसे रोटी सब्जी दाल हम खाते हैं, बोले इनका जीवन क्या, बोले भगवान की कथा है। अगर कोई कथा सुनने वाले हो तो उनको सुनाना शुरू कर देते हैं, अगर कोई सुनने वाला नहीं हो, एक भाई तो व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा, दूसरे भाई तीनों भाई बैठ जाएंगे, बस कथा सुनाते रहेंगे, कथा ही इनका जीवन है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं बोले आयुर हरति वही पुंसां उद्यान अस्तंत जन असौ तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्तया। कहते ये सूरज है, ये सूरज नहीं ये काल है, ये पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में जब अस्त हो जाते हैं, हमारी एक दिन चला गया, हमारे एक दिन चला गया। कहते ये काल रूपी सूरज सबका परमायु को ये नष्ट करता है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु ये काल नष्ट नहीं कर सकता है। बोले किसका परमायु नष्ट नहीं करता, बोले तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। जितना समय हम भगवान की कथा में, भगवान की भजन में, भगवान की भक्ति में हम जितने समय लगाते हैं, वही समय ही नष्ट नहीं होता है, नहीं तो ये काल सबका नष्ट परमात्मा ये नष्ट कर देता है। इसलिए इनका उम्र हर समय 5 साल के इनकी उम्र रहती है। ये भगवान की दूसरा एक पहला अवतार है। बोले दूसरा अवतार बराह रूप में प्रकट होकर के ये पृथ्वी को उन्होंने उधार करके धुरी में स्थापन किए,
पर ये मनु महाराज ने सृष्टि की उन्होंने प्रारंभ किया है, इसलिए कहते ये बरहादेव कैसे प्रकट हुई, ये कौन है? कहते भैया शाम का समय में हमें चार ही काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए बोलो जोर से, क्या क्या नहीं करनी चाहिए? बोले शाम का समय में भोजन मत करो, अगर हम भोजन करोगे तो ये पेट की बीमारी कभी तुम्हारी सही नहीं होगी, जिंदगी भर तुम्हारी पेट की बीमारी में पड़े रहोगे। दूसरा काम है उसी समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शाम का समय में पढ़ोगे तो जो कुछ पढ़ोगे सबके सब भूल जाओगे। और शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए, जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना उसको घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकेगी, वो दरिद्र हर समय वो दरिद्र अवस्था में पड़ा रहेगा। और जो चौथा काम है शाम का समय में कभी भी स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए। बोले ये हिरण्यकश्यप क्यों जन्म हुए? बोले एक समय दिति ने ठीक शाम का समय बड़ी सुंदर उन्होंने श्रृंगार की और शीशा को सामने खड़ी होकर के जब अपना रूप को देखी अपना काम में दीने विभोर हो गई। उसने जा करके पति कश्यप जी को साथ में मिलने के लिए कोशिश की। कश्यप जी ने कहा देख दीदी ये जो समय है ना ये शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर के भ्रमण करते हैं, अगर इसी समय मिलोगे तो समय अच्छे नहीं। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी उतने जोर जबरदस्ती पति को साथ में मिले। पति ने कहा तुमने अच्छे काम नहीं किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे। अब कभी कभी देखे ना बच्चे बड़े कभी कभी आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन कभी कभी देखना बच्चे इतने उद्दंड होते हैं पिता माता का बात नहीं सुनते हैं। क्यों? कारण क्या है? बोले कारण है पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जिस दिन पत्नी के पेट में बच्चा पहला दिन आती है और वो समय अगर अच्छा हो वो बच्चा बहुत बढ़िया बच्चा जन्म लेगा। दूसरा संस्कार होता है गर्भ संस्कार। अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर माता जी गीता भागवत रामायण पढ़े तो वो बच्चे बड़े संस्कार बनते हैं, अच्छी संस्कार बनकर के बच्चे जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए बोले तुम्हारे पेट में दो राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे, हिरण्याक और हिरण्यकश्यप तुम्हारे गर्भ में जन्म ग्रहण करेंगे। वो तो दुखी हो गई, चरण पकड़ कर रोने लग गई, अपना गलती को उसने माफ मांगी, मेरे माफ कर दो। बोले ठीक है तुम अपना गलती को स्वीकार की इसलिए तुम्हारी बेटे तो राक्षस होंगे, लेकिन जो पोता होगा ना वो भक्त होगा, ये प्रहलाद होकर जन्म लेगा। इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा कौन होगा? श्री प्रहलाद जी हुए। और जिन्होंने क्या की ठाकुर जी को खंभे से उन्होंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। कोई जयकार नहीं देते, कोई जय भैया बोलते, जोर से बोलो बोले श्री प्रहलाद महाराज की जय। ये भगवान की दूसरा अवतार है। बोले ठाकुर जी का जो तीसरा अवतार हुए हैं ये श्री नारद जी रूप में आए हैं। हम सब नारद जी को जानते हो, लेकिन जगत में ये नारद जी कितना बड़ा बदनामी है। हम कभी कभी कहते हैं ना क्या तुम नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या झगड़ा लगा रहे? नहीं भैया, नारद कभी झगड़ा लगाने वाले नहीं, इनके बगैर तो ठाकुर का कोई लीला ही नहीं है। राम लीला को देखो अगर कोई कारण है ना श्री नारद है, कृष्ण लीला को देखो अगर कोई कारण है तो श्री नारद है। नारद मतलब क्या है? बोले नारद जो कभी रद्द नहीं होते हैं, हर जगह में जो सक्सेसफुल है, हर समय जो सक्सेसफुल है, इसलिए इनका नाम नारद जो कभी रद्द नहीं होते। बोले नार मतलब होता है ज्ञान, द मतलब होता है सबको जो ज्ञान प्रदान करते हैं, नार मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस प्रदान करते हैं, नार मतलब होता है नार रहता है रस है ब आसक्ति, द मतलब खंडयती जीव का सारे आसक्ति को जो खंडन करने वाले। इसलिए विशेष करके नारद जी की चार चले हुए हैं। कितने चले हुए हैं? अरे बोलो जोर से,
ऐसे ऐसे इनके चेले हुए ना, कहते दो बालक हुए हैं, कौन हुए, एक ध्रुव और एक प्रहलाद है। इन्होंने तो 5 साल उम्र में ही भगवत प्राप्ति कर लिया, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, बोले जनम जनम मोनि जत न कराई, जनम जनम मोनि जत न कराई, जनम जनम मोनि जत न कराई, जनम जनम मोनि लेकिन कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, लेकिन मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी कहते अंतर राम कहीं आवत नहीं, तब भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आती है। लेकिन ध्रुव प्रहलाद ऐसे भक्त बने, नारद जी की ऐसे कृपा हुई, जो 5 साल उम्र में ही भगवान भगवत प्राप्ति होगी, किसकी कृपा, श्री नारद जी की कृपा है। कहते दो वृद्ध हुए हैं, बोले कौन, बोले एक वाल्मीकि और एक व्यास, जो हमारी जो सनातन धर्म के जो विशेष करके जो दो पुस्तक हुई हैं, एक भागवत और एक रामायण, किसने लिखे, बोले इनकी दो चेले नहीं लिखे, इसलिए जो वाल्मीकि पहले ये दशरथ नगर था, ये डाकू डालता था, एक दिन नारद जी के से भेंट हो गए, बोले बाबा निकालो क्या माल पाए, बोले भैया हम संत लोटे छोटे लंगोटे तीन ही चीज हमारे पास, बोले निकालो जो कुछ। नारद जी बोले ये बताओ, तुम ये जो पाप कर्म करके पैसा कमाते हो उसका फल कौन लेगा, बोले मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी पिता माता। बोले देख, ध्यान देकर सुन, ये सब के सब संपत्ति में तेरे साथ में, विपत्ति में कोई काम में नहीं आएगा, कुछ कुछ कर क्या। जब नारद जी पूछने गए, पत्नी से पूछा, बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता हूँ तू अंशीदार बनोगे कि नहीं, बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, हमें पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते। बच्चों से पूछे, बोले अभी तो हम बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमको पालन करना, जब हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे फिर सोचेंगे हम कैसे पैसा कमाते हैं। अभी पूछे पिता माता को, पूछे बोले तेरे को पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, इतना बड़ा किया हमने, भैया तू कैसे पैसा कमाते हो मेरे कुछ पता नहीं। उसने देखा नारद तो सही बता रहे थे, वापस आए, बोले बाबा आप तो सही बता रहे थे, ये कोई भी पाप लेने के लिए तैयारी नहीं हो रही है। बोले बेटा ये जगत बड़ा विचित्र है, हैं, जो अपना करनी अपना भरनी है, इसलिए बोलो उधार कैसे होगा। तब तो बोले बोलो राम, बोलो 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 जोर से बोलो बोलो, लेकिन उसका मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकला, क्योंकि जो पापी होते हैं ना उनका उनका मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलेगा, हैं, जो पुण्यात्मा है उनकी मुंह से ही ठाकुर का नाम निकलता है। इसलिए भगवान कहते हैं जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। कहते हे अर्जुन, ठाकुर का नाम कौन ले सकता है, बल जिसने पूर्व पूर्व जन्म में, जिसने 100 जन्म तक जिसने ठाकुर जी की सेवा पूजा की है, उसकी मुंह से ही ठाकुर जी की नाम निकलेगा। बड़े पुण्यात्मा की मुंह से ठाकुर जी की नाम निकलती है, इसलिए उसका मुंह से राम की नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो कर सकते हो, बोला इतना तो कर सकते हो, इसलिए उन्होंने मरा 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 करते करते क्या हो गया, राम के नाम निकली।
और इतने मरा मरा करते करते बोले उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मन माए। अगर दशरथ ना कर अगर मरा मरा करते करते राम राम हो गया, अगर हम सीधा अगर ठाकुर जी का नाम ले फिर क्या नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे आप लोग खेती करते हो गेहूं दाल सब खेती करते हैं ना, अब जो खेती करते हो गेहूं को क्या करते हो ऐसी जमीन में लेकर फेंक देते हैं, बीज को ऐसे फेंक देते हैं, आप देखना बीज भरी उल्टा पड़े नहीं तो सुलटा पड़े, लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है बोलो जोर से, सीधा होता है। ये दोनों माता को बोलते एक साथ में मत बैठिए, उनको अलग बैठा दो, बात मत कर इधर सुना, संसार का बात कथा में नहीं करते हैं, बच्चों अलग अगर बैठ जा, ये दोनों माता को भी अलग कर दो। देखो नियम है कथा सुनने की, जो जिसको जानते हो ना उसको पास मत बैठाए, अगर कथा सुनना तो जो जिसको जानते हो अलग अगर बैठे, अलग अगर बैठो वहां से। देखो मैं सामने बैठा हूं ना, सब कुछ देख रहा हूं, हरे कृष्णा। इसलिए भगवान की जो नाम है अगर जैसे भी भगवान के नाम लो लेकिन उसका जो फल है ना वो फल सीधा ही होगा, फल कभी उल्टा नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सोते उठते बैठते चलते फिरते हर समय क्या करो, ठाकुर जी की नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो सबके सब, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप लोग बोल नहीं रहे हो, हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते ये एक चेले हुए, बोले दूसरे चेला कौन हुए जिन्होंने रामायण को लिखे, दूसरे चेले हुए श्री व्यास देव जिसने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखे, जो हमारी सनातन धर्म के ये दो दिव्य ग्रंथ हैं। कहते भगवान की जो चौथा बता रहे, कहते ये नर नारायण ऋषि रूप में ये बद्री का आश्रम पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अभी प्रश्न होता है भैया भक्ति तो हम लोग करेंगे जीव करेंगे, फिर ठाकुर जी क्यों फिर तपस्या कर रहे हैं, कारण क्या है? इसका कारण बताए, एक दिन श्री नारद जी ये संसार में आए और घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सबको सिर हिलाए मुंडी हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात पूछे जगत में कोई भी ठीक नहीं, सबके सब संसार में दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बेटे से, कोई बहू से, कोई सास से, सब दुखी 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 दुखी। देखा वैकुंठ में गए, देखा ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किए हुए, समस्त देवतारा शांतागारम भुजग शयनम बोल करके स्तुति कर रहे हैं और भगवान बड़े आराम से मुस्कुरा रहे हैं और माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण को गोद में लेकर के चरण की सेवा कर रही थी। नारद जी बोले प्रभु ये दुनिया को किसने बनाया, आपको बनाया ना, बोले हाँ, बोले दुनिया को तो आपने बना दिया और लोग दुखी दुखी वो कर रहे हैं, आप तो यहाँ आनंद ले रहे हो। कहते जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखता है। बोले नारद जी टेढ़े मेढ़े क्यों बोल रहे हो, सही सही बताओ ना। बोले ठाकुर जी आप तो लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए, फिर दुनिया बोलेगा जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े रहते हैं हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर हम भी पड़ रहे हैं। बोले कि बताना क्या चाहते हो, बोले प्रभु जी हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख हो करके अभी जगत में किसी को शांति नहीं मिली, वही व्यक्ति संसार में सुखी है जो प्रभु की भक्ति करता है, जो जितने प्रभु को भक्ति करता है वो उतना परिवार में दुखी, जो जितना प्रभु से विमुख है उतना ही संसार में वो दुखी दुखी है। बोले बताओ क्या करनी चाहिए।
मतलब अगर आप थोड़ी सी प्रभु को भक्ति करेंगे ना, आप तो दुनिया के पिता हो, फिर आपको देख कर तो लोग भक्ति करेंगे। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए, लेकिन कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। ठाकुर जी भ्रमण करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे, देखा बड़ा सुंदर स्थान, गंधमार्दन पर्वत, अलका नंदा बह रही है, सुगंध शिला, बड़े सुंदर स्थान है। ठाकुर जी को बढ़िया अच्छा लगा, बोले यही पर हम भजन करें। लेकिन वो स्थान पहले श्री शंकर जी भजन करते थे, वो शंकर जी का स्थान था। बोले शंकर जी सहज में छोड़ेंगे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। वहां पर एक तप्त कुंड, कौन कौन बद्रीनाथ गए हो, वहां पर एक तप्त कुंड है, रोज शंकर पार्वती स्नान करने आते हैं। इतने में ठाकुर जी एक सुंदर बालक बनकर के वहीं पर रोना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी आगे आगे जा रहे थे, समझ गए कुछ दाल में कुछ काला है, लेकिन माता जी पीछे पीछे आ रही थी। मैया तो हृदय में कोमल होता है ना माताओं को, इसलिए छोटे बच्चे को देख करके माता पार्वती गोद में उठा लिया। शंकर जी को बोले इतने सुंदर बालक कोई पिता माता है ही नहीं, बर्फ ऊपर रो रहा है, आपको दिखी नहीं। बोले पार्वती दाल में कुछ काला दिख रहा है, हैं बोले काला छोटा बच्चा काला दिख रहा है, इसलिए बोले मैं इसको घर में सुला करके आती हूँ। तब उन्होंने ठाकुर जो तो नारायण थे लेकर के अपना घर में सुलाए, और दोनों स्नान करके जो वापस आए ना, वो तो ठाकुर जी थे, वो अंदर से कुंडी बंद कर दी। जब शंकर जी दरवाजा खटखटाए और खोले ही नहीं, शंकर जी बोले पार्वती तुमने देख लिया, पहले से ही मैं बोल रहा था दाल में कुछ काला बच्चे को तुमने घर में सुलाए तो हमारा घर ही दखल कर लिया। तब उन्होंने ध्यान लगाया ये कौन है, देखा है मेरे प्रभु जी है, नारायण है। बोले ठाकुर जी अगर आपका रहना आप रहो, मैं तो जा रहा हूँ। इसलिए ठाकुर जी बद्रीनाथ छोड़कर कहाँ चले गए, केदारनाथ चले गए हैं। इसलिए ठाकुर जी नारायण इस रूप में तपस्या कर रहे हैं। बोले तपस्या ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं, उनको पता है कलिजुग का जो जीव है वो तपस्या नहीं कर सकता है, भगवान की भक्ति करना कलिजुग के लिए बड़ा कठिन है तपस्या। इसलिए ठाकुर का वरदान है अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए, केवल ठाकुर को दर्शन कर ले और कुछ नहीं, केवल ठाकुर को दर्शन कर ले। ठाकुर जी कहते हैं मैं जो बैठ करके तपस्या कर रहा हूं वो तपस्या का छठवां भाग का फल केवल मुझे दर्शन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। बोले श्री बद्री विशाल की, जोर से बोलो बोले श्री बद्री नारायण की। इतने में मैया लक्ष्मी नारद जी आए, बोले प्रभु जी कहाँ, बोले पता नहीं कहीं गए अभी तक आए नहीं। बोले प्रभु जी तो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। अभी माँ लक्ष्मी भ्रमण करते करते आई, आ करके देखा ठाकुर जी धूप में बैठ करके कठोर तपस्या कर रहे हैं। इतने में माता लक्ष्मी एक बेर वृक्ष बन करके ऊपर में छाया करने लग गई। प्रभु जी ने देखा अभी तक तो गर्मी लग रहा था, इतने मीठी मीठी हवा, इतने सुंदर छाया कहाँ से आ गया। ऊपर देखा तो माँ लक्ष्मी स्वयं बेर के वृक्ष बन करके ठाकुर जी को छाया कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी का नाम क्या हो गया, बद्री नारायण। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम हैं, उसी तरह बद्री मतलब स्वयं माँ लक्ष्मी ही ये बद्री वृक्ष बन करके वहां पर खड़ी हो गई। इसलिए बोले बद्री विशाल की जय। देखो हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर एक बार जीवन में जो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री, अगर जीवन में कोई एक बार ये चार धाम करेला, उसको संसार में दो बार जन्म लेना नहीं पड़ता, संसार से उसको उधार हो जाता है। लेकिन ये पहले पहले लोग जब जाते थे चार धाम के लिए, वो कह करके जाते थे हमारी अंतिम क्रिया कर लेना, लगता है हम और नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहले चल चल करके जाना पड़ता था। जो चलने का भी रास्ता है वो इतनी भयंकर रास्ता है, पेड़ किसी तरह से पकड़ पकड़ कर लोग जाते थे, दर्शन करते थे। लभी अभी सरकार इतने बढ़िया रोड बना दिया, आप 10 दिन में ही ये चार धाम को भ्रमण करके वापस आ सकते हो। 10 दिन में ही पूरा चार धाम हो जाएगी गाड़ी में। अभी तो वो टूरिस्ट प्लेस बन गया, बड़ा सुंदर बना दिया है। इसलिए आप लोग जरूर, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे भारत में जन्म हुए
जहां प्रचारित धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण सुला, देव सरोवर, लेकिन और एक सरल उपाय है जो कि एक दिन में आप चार धाम को करके, चार धाम नहीं पृथ्वी का सारे तीर्थ करके आप एक दिन में आ सकते हो। कोई करना चाहते हो एक दिन में? हाथ उठा तो कौन करना चाहते हो? एक दिन में पृथ्वी का सारे तीर्थ करके आओगे? आप लोग ये हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है? हाथ उठा सब सब, अरे कम से कम हाथ तो उठाओ, कौन करना चाहते हो? हाँ, इसलिए एक सरल उपाय सुनो। जब जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने मनोती की थी, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगा, मैं संपूर्ण समस्त तीर्थ में मैं जाकर के समस्त ठाकुर जी को दर्शन करके आऊंगा, उन्होंने ये मनोती की थी। लेकिन घर में कृष्ण जन्म हो गए, जब घर में कृष्ण जन्म हुए, अभी समस्त ब्रजवासी अभी बोले चलो कृष्ण 5 साल के हो गए, चलो हमने मनोती किया था, घर में लाला की जन्म हो गया, समस्त धाम को दर्शन करके आते। इतने में कृष्ण ने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले तेरे जन्म लेने से पहले हमने मनोती की थी, घर में एक बालक की अगर जन्म हो जाएगा तो समस्त धाम को हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, इसलिए हम जाना चाहते हैं। बोले बाबा जी कहाँ जाओगे? सारे तीर्थ तो ब्रज में ही है। बोले ब्रज में सारे तीर्थ? बोले कहाँ पर? बोले चलो बेटा का क्या कर्तव्य है? पिता जो बड़े बूढ़े हो जाए, नियम है बेटा का कर्तव्य है पिता को लेकर के समस्त धाम दर्शन कराने चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। बोले मेरे बड़ा हो गया, चलो सारे तीर्थ कराते लाऊंगा। इसलिए ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम कामले बने, वहीं पर समस्त ब्रजवासियों को लेकर गए और बोले हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लो और समस्त तीर्थ को स्मरण करो। जब उन्होंने समस्त तीर्थ को स्मरण किया, बोले आंख खोलो। जब आंख खोले ना, भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का जितने सारे तीर्थों को स्मरण किया है, इतने में काम्य वन में पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट होंगे। और अभी भी वहां पर लक्ष्मण झूला, देव सरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अलकानंदा हैं, वहां पर गंगोत्री, जमुनोत्री, अभी भी काम्य वन में सारे धाम वहीं पर है। जैसे भगवान कृष्ण समस्त कारणों का कारण, जैसे भगवान कृष्ण है, ये ब्रज धाम भी समस्त तीर्थ का जो उद्गम स्थान है, ये ब्रज धाम है। इसलिए रसखान कहता है, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहा, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानत नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। वृंदावन में सारे तीर्थ, वृंदावन में एक बार सबके सब जरूर वृंदावन में आयो, ठीक है? सबके सब वृंदावन में आओ और सारे तीर्थ को जरूर एक बार दर्शन करो। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए कहती है भगवान की चौथा अवतार है। ऐसे ही उन्होंने मत्स्य, कुर्मा, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कृष्ण, कल्कि, ऐसे उन्होंने 24 अवतारों का नाम लिया। लेकिन उन्होंने लेते लेते फिर उन्होंने बीच में उन्होंने कृष्ण का भी नाम ले लिया, कृष्ण भी एक अवतार। इतने में सुतो गोस्वामी डर गए। बोले क्यों डर गए? बोले मैंने कहा कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले ये अवतार है। बोले अवतारी का मतलब क्या है? बोले जिनसे ये समस्त अवतार निकलते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवति भारत अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। हे अर्जुन, जब जब इस जगत में धर्म की हानि हो और अधर्म बढ़ने लग जाए, साधु संत पृथ्वी गो वेद ब्राह्मण को ऊपर में अत्याचार होता है, मैं तब तक मैंने ये अवतार लेकर के
परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। समस्त दुष्टों को विनाश करके मैंने संतों को मैं रक्षा करता हूँ। कौन रक्षा करता है? भगवान कृष्ण है। इसलिए आप लोग गीता महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इतने में कृष्ण विराट रूप दिखाए। अर्जुन देख मैं कौन हूँ, आप लोग भी अच्छे तरह से समझो, बढ़िया से ये चीज को दिमाग में बैठा। कृष्ण विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन देख ले मैं कौन हूँ, जिसको तू ब्रह्मा कहते हो देखो ब्रह्मा मेरे में, जिसको तुम भोले बाबा कहते हो देखो भोले बाबा मेरे में, जिसको तुम माँ देवी कहते हो देखो देखो देवी मेरे में, जिसको तुम गणेश इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो देखो ये विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे अंदर में। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन मत परतरम नान्य किंचित अस्त धनंजय, हे अर्जुन मुझको छोड़ करके दुनिया में और कुछ नहीं, दुनिया का कारण का कारण मैं ही, दुनिया का समस्त कारण का कारण ही। जब भगवान कृष्ण समस्त कारण का कारण ही, जब हम कृष्ण के चरण में प्रणाम किया तो क्या हो गया, सारे 33 करोड़ देवता को प्रणाम हो गया कि नहीं, सबके प्रणाम अपने आप हो गया। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाए, बोले जथा तरोर मूलम निसेचनेना, जैसे एक पेड़ है, जैसे पेड़ का जड़ में अगर हम पानी दे, फिर पेड़ का कहीं पानी देने का जरूरत है? पेड़ का जड़ में पानी दे तो पूरा वृक्ष में चली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं देता, दिन भर पत्ते को धो, दिन भर उसका फूल को धो, दिन भर टहनिया को धो, लेकिन जड़ में पानी नहीं दो, अब बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? अरे बोलो पेड़ जिंदा रहेगा, दिन भर पेड़ को धो रहे हो लेकिन जड़ में पानी नहीं देते हो, फिर पेड़ क्या जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन कहीं भी पानी मत दो, लेकिन केवल जड़ में पानी दे दो, क्या होगा? पेड़ हरा भरा रहेगा। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे भोजन हम कहाँ देते हैं? मुंह में देते हैं ना। अगर कोई बोलेगा कि हम आंखों में देखते हैं, आंखों में थोड़ा दाल डाल दो, कानों में सुनते हैं थोड़ा रोटी वहां दे दो, हाथ में काम करते थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा भोजन, कोई कहते हैं क्या? जैसे मुंह में खाना देने से, भोजन देने से समस्त इंद्रिय सतेज रहती है, बोले उसी तरह जो भगवान जो कृष्ण है, जब भगवान कृष्ण को हमने पूजा कर दी, तब ये 33 करोड़ देवता भगवान के अंदर में विद्यमान, समस्त देवता को अपनी आप सब देवता खुश हो गए। इसलिए कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको ऊपर में बांके बिहारी की कृपा हो गई, 33 करोड़ देवता अपनी आप खुश हो जाएगी। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मोदी, ये मोदी कौन है भारत का? बोलो बोलो, मोदी कौन है भारत का? प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, हैं? लेकिन उसने एक एक किसको रेल मंत्री बना दिया, किसको जल मंत्री बना दिया, किसको वायु मंत्री बनाया, किसको वित्त मंत्री बनाया, किसने बनाया? मोदी ने बनाया, सबके एक एक पोस्ट दे दिया। अगर कोई मोदी की शरण में चले जाए, ये सबके सब अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे अमित शाह, इनकी डांड आते हैं, इसलिए जैसे उनकी पास में जाओ ना, बस मोदी अगर एक आदेश किया तो सारे काम हो जाएगी, सारे काम हो जाएगी, हैं? कहते उसी तरह ये विश्व ब्रह्मांड का प्राइम मिनिस्टर कौन है? दुनिया का मालिक श्री बांके बिहारी। जब इनकी शरण में चले गए ना, क्योंकि इन्होंने ही अलग अलग देवा देवी को, उन्होंने किसको वित्त मंत्री, किसको वायु मंत्री, किसको जल मंत्री, इन्होंने ही सबको एक एक पोस्ट में ठाकुर जी ने लगाया, बांके बिहारी ने लगाया। जब बांके बिहारी की शरण में आ गए, ये 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो गए, अपने आप समस्त देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए श्री सुत गोस्वामी इन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बताए, बोले एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृहयंती जुगे जुगे। यदि जो बांके बिहारी कृष्ण है, अभी तक मैंने जिन जिनों का नाम लिया है, ये मत्स्य कुर्म नृसिंह बामन, ये कौन है? इनका कोई अंश और इनकी अंश का अंश कोई, ये समस्त
ये अवतार है, लेकिन जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म कौन है? श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री बांके बिहारी की जय। जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। इसलिए कहते जैसे भगवान कृष्ण ही समस्त दुनिया का मालिक है, उसी तरह जो कृष्ण का जो नाम है ना, अगर किसी ने अगर कृष्ण नाम को ग्रहण कर लिया तो उसको सबका नाम भी लेना हो जाता है, उसको सबका नाम लेना हो जाता है। देखो अच्छे तरह से ध्यान देकर सुना, एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु जी हमें किसको उपासना करनी चाहिए? आप भी अच्छे तरह से ध्यान देकर सुना, बढ़िया से। ये शंकर जी कह रहे, जब शंकर जी को पार्वती ने पूछा प्रभु हम किसकी नाम लेनी चाहिए, तब शंकर जी कहते हैं बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनाम परम। बोले हे पार्वती, जगत में जितने आराधना हैं, जो सर्वश्रेष्ठ जो आराधना ये भगवान विष्णु की आराधना ही ये सर्वश्रेष्ठ आराधना। अभी विष्णु का सहस्त्र नाम है 1000 नाम, अभी माता पार्वती विष्णु की 1000 नाम को ग्रहण करती है। अभी 1000 नाम लेने के लिए तो समय लगेगा ना। एक दिन शंकर जी का भी उन्होंने सवेरे भोजन मांगे, बोले पार्वती भोजन ले आओ। बोले प्रभु अभी तक भजन नहीं हुआ, आप बड़ी जल्दी करते हो, पहले भजन उसके बाद में भोजन करनी चाहिए, नियम है ना। सवेरे उठ कर कैसे नहीं, स्नान नहीं किया, तिलक किया नहीं, भजन नहीं किया, पहले भोजन करने बैठी हो? नहीं, शास्त्र में बताए बिना स्नान किए हुए जो भोजन ये राक्षस भोजन है। इसलिए सवेरे उठते चाय चाय करने लग जाए, नहीं, सवेरे उठ करके स्नान करो, तिलक करो, अपना गुरु मंत्र जप करो, ठाकुर का नाम लो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद को पाओ। ऐसे नहीं सवेरे उठते ही बिना नहाए भोजन करना शुरू कर दिया, नहीं, ये नियम नहीं। इसलिए बोले प्रभु जी पहले भजन उसके बाद में भोजन। तब शंकर जी बोले देखो पार्वती, अभी तक तो तुमने विष्णु सहस्त्र नाम को की। बोले हाँ। बोले समय तो लगता है, लगता ही है। बोले तेरे को एक सरल उपाय बताता हूँ, जो समय कम लगेगा लेकिन फल ज्यादा मिलेगा। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर जी कह रहे। बोले और एक सरल नाम बताता हूँ। बोले बताओ। बोले राम रामती रमती रम रमी मनोरमी सहस्रार नाम अविस्तुल्यम श्री राम नाम बराण्य। हे सुंदरी पार्वती, जो विष्णु सहस्र नाम को 1000 जो विष्णु का नाम लेते हैं उसमें जो फल की प्राप्ति होगी, अगर एक बार श्री राम का नाम एक बार ले ले पार्वती, वही फल मिलेगा। इसलिए पार्वती राम का नाम बड़ा प्यारा है। पार्वती बोले फिर तो मैं राम का नाम करूंगी। बोले हाँ पार्वती तुम राम का नाम करो। अभी पार्वती दिन रात क्या करती है? बोले रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम जय राम जय 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 ज
अभी पार्वती प्रभु राम का नाम जप करती, जब कुछ दिन ही गई फिर शंकर जी बोले पार्वती और ये जो सरल नाम बताता हूँ जो परिश्रम तो कम होगा लेकिन ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु वो कौन सा नाम? कहते सहस्रा नाम नाम पुण्यानाम त्रिरावित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैकचत प्रजच्छति। बोले ये विष्णु सहस्र नाम को जो तीन बार ग्रहण करते हैं जो फल मिलेगा, एक बार श्री कृष्ण नाम करने से एक ही फल मिलेगा, मतलब एक कृष्ण नाम के समान तीन बार राम नाम और 3000 विष्णु नाम के बराबर है। इसलिए जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, जिसको ब्रह्मा खुद कहते हैं अहो भाग्यम नंद गो ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, ये सनातन श्री कृष्ण चंद्र है। बोले प्रभु फिर तो कृष्ण का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती, जो कृष्ण है ये परात्पर तत्व पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण है। अभी माता पार्वती कृष्ण का नाम लेती है। एक दिन शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती ये कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले आप तो बताइए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, फिर आप कह रहे हो कृष्ण नाम से भी श्रेष्ठ। बोले मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कृष्ण ये बात ये चंद्रमा को बताए थे। देखो कृष्ण खुद कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदोत्तमम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किमतम। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले, अगर एक बार अगर श्री राधा रानी का नाम लेता है, एक राधा रानी का नाम मेरे 100 नाम के बराबर है। इसलिए आप वृंदावन जाओ ना, इसलिए जो वृंदावन वासी ब्रजवासी वो बड़े चालाक है, इसलिए सबके सब किसके नाम लेते हैं वृंदावन में? राधे राधे नाम लेते हैं। आप गए होंगे देखे होंगे सबके सब वृंदावन में कोई भी कृष्ण का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वो चतुर वो जानते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा का नाम लेते ही कृष्ण स्वयं भक्त भक्त आते हैं, इसलिए ब्रज में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। जय जय श्री राम। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। ठाकुर जी कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की एक भजन है वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी कही। नमो नमो प्रतिभानुजा नमो नमो सुखरास नमो नमो अस इन सरल माम और करो निवास राधे श्री राधे रटू मिस दिन आठोया
सभी भक्तों से निवेदन, एक बार सुहानंदिनी लाडली जी का जयकारा हो जाए। जय जय श्री राधे। Yeah.
आनंद में आगा भाता
Thank you.
सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले हे सुतो गोस्वामी, जैसे हमारी भागवत कथा हो रही है, लाल प्रभु जी कथा करा रहे हैं, अगर किसको निमंत्रण दे हमारी घर में 7 दिन तक कथा होगी, अगर किसी कोई छोटी मोटी कोई बिजनेस हो ना, बोले भैया मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये परीक्षित महाराज उसी समय में ये संपूर्ण सप्तद्वीप पृथ्वी के ऊपर में ये राजत्व कर रहे थे। इन्होंने 7 दिन तक सब कुछ छोड़ छाड़ करके इन्होंने ये पूरी 7 दिन तक ये भागवत कथा में बैठे कैसे और उन्होंने कथा सुनी कैसे। फिर श्री सुखदेव गोस्वामी ये कैसे संत हैं, कितना रामते जोगी बहते पानी, ये भी एक जगह पर कहीं टिकने वाले व्यक्ति नहीं। कहते कि गोदोहन करने में जितने समय लगता है उतने से ज्यादा समय ये भी कहीं टिकने वाले नहीं। लेकिन उन्होंने 16 साल तक तो मुंह खोले ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोले ना 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किए। कृष्ण कथा की ऐसे मधुरी माँ 7 दिन तक उन्होंने मुंह ही बंद नहीं किए, ये बड़े आश्चर्य लगता है। आप कृपा करके बताए ये व्यास देव जी ने कैसे ये भागवत कथा रचना की, कैसे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए, कैसे उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाए। मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके हमें सारे बात को सुनाने की हमें चेष्टा करें। तब श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं ये व्यास देव, ये व्यास नारायण स्वयं, ये नारायण है भगवान की, ये सत्या में सब बता भगवान की 6 अवतार हैं, मन्वंतर अवतार, जुगा अवतार, गुणा अवतार, ऐसे करके भगवान की 6 अवतार। इसलिए व्यास देव जी ये सत्यावेश अवतार, इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा है ये कलयुग आ रहा है। कभी ये कलयुग में धीरे धीरे लोगों का जो बुद्धि धीरे 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 ह्रास होते जाएगा, क्योंकि हर चीज हाइब्रिड दे करके बन रही है। पहले प्योर चीज लोगों को मिलता था, अभी कोई चीज आपको प्योर, कहते गांव बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हर चीज है, गांव में खेती में बनता है, गैया के गोबर से बनता है, प्योर चीज मिलता है। लेकिन आप शहर में जाओ आप कोई चीज प्योर चीज नहीं मिलेगी, सब चीज में बनावटी बनावटी है, हाइब्रिड दे करके बनती है, है? इसलिए धीरे धीरे जो बुद्धि ये सब चीज खाने से धीरे धीरे बुद्धि जीव की ह्रास होती जाएगी। इसलिए व्यास देव जी अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सब चीज को उन्होंने देखा है। देख करके उन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद को बनाए, फिर ब्रह्म सूत्र बनाए, फिर उन्होंने 5वां वेद श्री महाभारत को बनाए, हैं? क्योंकि स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, इसलिए 5वां वेद श्री महाभारत को बनाए। लेकिन ये बनाने का बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं मिल रही थी, बड़ी उदास होकर बैठे हुए थे। इतने में श्री नारद जी भगवत कीर्तन करते करते श्री नारद जी प्रकट हुए, बोले व्यास लगता है तुम्हारे मन में संतोष नहीं। बोले गुरु जी आपने सही बताया, मैं तो जीव कल्याण करने के लिए इतने सारे ग्रंथों को रचना की, लेकिन मेरे मन में ही शांति नहीं। जब मेरे ही मन में शांति नहीं, फिर ये ग्रंथ को पढ़ करके दूसरों को मन में शांति कैसे मिलेगी। इसलिए आप तो गुरु हो। बोले गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक। गु मतलब होता है अंधकार, रु मतलब होता है दिव्य आलोक, जो कि शिष्य के हृदय में जो दिव्य आलोक को जो संचार कर दे। इसलिए आप कृपा करके बताओ कमी किया। व्यास देव जी ने नारद जी ने बताया, देखो तुमने जो ग्रंथ की ना, भविष्य में इसको पढ़कर मेरे को झगड़ा करेंगे, केवल झगड़ा करेंगे, क्योंकि जब तुमने शिव पुराण बनाई, शंकर जी को तुमने सत्यम शिवम सुंदरम जोगी जोगी महाजोगी उनको ही सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया, अगर वो शिव पुराण कोई पढ़ेगा तो बोले शंकर जी से तो दुनिया में कोई बड़े है ही, वही जगत का मालिक है। जब तुमने देवी हैं, देवी पुराण बनाए
उसी मैया देवी को ही सब कुछ बोल दिया। मैया देवी उनसे जगत में कोई श्रेष्ठ नहीं, अगर वो पुराण को पढ़ लेगा ना बोले इनसे दुनिया में कोई बड़े है ही नहीं। जहां तुम्हारे ब्रह्मा जी की महिमा गाई बोले जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा जी है। ये जब ग्रंथ को कोई पढ़ लेगा ना पागल हो जाएगा, वो सोच नहीं सकता है, वो सोच नहीं पाएगा जगत में पूज्य कौन है, किसको भक्ति करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, ये चीज को निर्णय में नहीं पहुंचेगा, केवल आपस में लड़ेंगे। तुमने ऐसे सब ग्रंथ वर्णना किया बोले गुरु जी इसीलिए तो शांति नहीं मिल रही है, इसलिए आप कृपा करके बताओ शांति मिलेगी कैसे। बोले दूसरों को शांति देगा तभी तो शांति मिलेगी, जब तक तुम दूसरों को शांति नहीं दोगे तुमको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आप ही बताओ गुरु जी कैसे कल्याण होगा। तो उन्होंने बोले देखो जथा धर्म दयश्चार्था मुनिवर्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जेनु वर्णित। बोले तुमने जैसे धर्म अर्थ काम को जैसे तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताए, कहीं कहीं पर ये भी तुमने बता दिए यज्ञ कर तो मदिरा और मांस को द्वारा यज्ञ कर, ये भी बात तुमने बता दी है, ये भी बात तुमने बताई। लेकिन जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, जब तक ये जीव ईश्वर का आराधना नहीं करता है तब तक शांति नहीं मिलेगी। अभी प्रश्न ईश्वर कौन है, अभी बड़े समस्या है ईश्वर कौन है, इसलिए इसी विषय में लोग को अंदर में शंका है। तो उन्होंने बोले देखो जो ईश्वर है जो भगवान जो कृष्ण है, अभी बताया ना एतेचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान जो कृष्ण है ये ईश्वर की अवधि के भगवान कृष्ण है, जैसे भगवान राम है नरसिंह देव है मत्स्य कुर्मा बराह आदि यदि भगवान के अवतार है सबके सब, इसलिए तुमने भगवान कृष्ण की भगवान की राम की भगवान नारायण की कथा को तुमने दिल खोल करके बोले नहीं और इनकी भक्तों का चरित्र को तुमने शुद्ध रूप में नहीं बताया, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही। अगर जीवन में शांति बनना चाहते हो भगवान की और उनको शुद्ध भक्तों की चरित्र को वर्णना करो तभी तुमको आत्मा को शांति मिलेगी। तो उन्होंने नारद जी फिर उन्हें अपना आत्मा चरित्र उन्होंने सुनाया और उन्होंने बोले देखो जितने बड़े से बड़े सुंदर ग्रंथ क्यों नहीं हो, बड़े सुंदर अलंकार क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसमें हरि की कथा नहीं हो ठाकुर जी की कथा नहीं हो ना, कि जो संत लोग ये परमहंस है जैसे हंस परमहंस जैसे मानस सरोवर में जैसे कमल मधु आस्वादन करते हैं, ये संत लोग भी केवल प्रभु की चरित्र पढ़ करके सुन करके इनको शांति मिलती है और इधर उधर बात को पढ़ते नहीं सुनते नहीं, टूटी फूटी बात क्यों नहीं हो लेकिन ठाकुर जी की कथा हो तब ये संतों को आनंद देता है। लेकिन तुमने क्या बताया फिर देखो ये संसार करते करते जब ये संसार करते करते जब वृद्ध हो जाओगे हैं फिर भगवान की भजन थोड़ा कर लेना, अभी से बचपन में क्या प्रभु का भक्ति करता हूं हैं, जब रिटायर लाइफ में एक दो माला कर लेना, ये भी तुमने भी गड़बड़ी बात बताई। क्योंकि आप देखना ये संसार करते करते जितने बड़े बड़े होते जाओगे ना उतना ही संसार में ज्यादा आसक्ति हो जाता है, उतना ही संसार में दल दल में जीव फंस जाती है, जितने बड़े बड़े होंगे उतना ही माया में जीव फंसते फंसते जाता है, जितना माया की डंडा बढ़ता है ना वो माया से दूर क्या होगा वो माया से ज्यादा चिपकता है जीव है, इसलिए ये बात को स्पष्ट करके बताओ भगवान की भक्ति बचपन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखो आपने छोटी कहानी सुना था ध्यान देकर सुनो, एक दिन नारद जी ये मरते जगत में आकर के देखा सबके सब दुखी है, एक दिन वैकुंठ में गए बोले ठाकुर जी ये वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है कुछ लोगों को ले आओ ना, कोई चंदन घिसेगा कोई रसोई बनेगा कोई फूल की माला करेगा। भगवान ने कहा नारद जी मैंने चबीस चबीस अवतार लिया है ये जीव को उद्धार करने के लिए लेकिन कोई एक जीव भी वैकुंठ में आना नहीं चाहता है। नारद जी बोले प्रभु जी मेरे को विश्वास नहीं होता क्यों संसार में सब जीव दुखी दुखी है, ये दुख छोड़ करके वैकुंठ है
जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ भी नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद, कोई आना नहीं चाहते, मेरे को विश्वास नहीं हो पाना। इतने में ठाकुर जी बोले, नारद जी ये दायित्व मैं तेरे को दे देता हूँ, तू जा करके जितने जीव मिले ना पकड़ करके ले जा। बोले ठाकुर जी आज ये जो खाली बैकुंठ होगा आज मैं भर दूंगा, चिंता मत करो। नारद जी आए, देखा एक किसान भैया जेठ के महीना में खेती कर रहा था, शरीर से पसीना बह रहा था, बोले जरूर ये जाएगा। बोले किसान भैया बैकुंठ खाली पड़ा हुआ, अब बैकुंठ चलोगे? बोले अपना रास्ता देख, बैकुंठ चलोगे, अभी खेती कर रहा हूँ, गेहूं होगा, बीवी बच्चे इनको पालना। बोले तेरा कोई काम धंधा नहीं और किसका कोई काम, अपना रास्ता देख। और आगे गए, देखा कि माता जी कुएं में पानी भर रहे थे। बोले ये तो जरूर जाएगा। बोले माता जी बैकुंठ खाली पड़ा हुआ, बैकुंठ चलोगी? बोले अभी मैं रोटी बना करके आई हूँ, अभी पानी भर कर ले जाऊंगी, अभी सब्जी बना करके बच्चों को पति को भोजन कराऊंगी। बोले बैकुंठ चलो, अपना रास्ता देख। बोले बैकुंठ चलो, अभी जिसको देखे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। देखा एक 80 साल के बूढ़ा घर को बाहर बैठा हुआ, बोले ये तो जरूर जाएगा, ये बूढ़ा हो गया, कोई घर का काम धाम कुछ है नहीं, ये जरूर जाएगा। नारद जी बोले आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले बैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ, बोले जितने जीव मिले उसको पकड़ करके बैकुंठ ले आओ, बैकुंठ चलोगे? बोले जाने का तो इच्छा है, लेकिन एक बेटा का साथी भी बाकी रह गया, अभी सगाई हो गई, बस बेटा का शादी हो जाएगा ना सारे काम खत्म, फिर तो मैं सीधा बैकुंठ जाऊंगा। बोले बताओ कब चलोगे? बोले कुछ दिन बाद में बेटा का शादी हो जाएगा, फिर बैकुंठ चलूंगा। अभी नारद जी कुछ दिन बाद में आए, बोले क्यों कैलाश बेटा का शादी हो गई? बोले घर में बहुत बढ़िया बहू आई है, सवेरे उठते ही तैयार छुट्टी है, एकदम गर्म गर्म चाय बना के भी देती है, चाय और गर्म गर्म पानी रोटी बड़ी सेवा करती है, बड़ी अच्छी बहू आ गई। बोले फिर तो चलो बैकुंठ चलो। बोले देखो कहते बेटे को जन्म देना, पुत्र को, कहते ये पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर पोते का मुंह देखो तो बोलते स्वर्ग होता है। अभी जो बहू है ये गर्भवती है, बस अभी पोता घर में जन्म होने वाले, देख करके सीधा नहीं बैकुंठ चलूंगा। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन ही बाद में आओ। नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयारी नहीं हुए, एक व्यक्ति बड़े कष्ट से तैयार हुआ, नारद तो खुशी बढ़ गए। कुछ दिन बाद में आए, उसको दिखाई नहीं कैलाश को, बोले पिताजी कहाँ है? बेटे को बोले, बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, बड़े कष्ट से एक चेला बनने वाला था, वो चेला भी सुधार गया। अभी देखा ये कहीं नहीं गया, जरूर इसी घर में जन्म लिया, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत काले वरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीव अंतिम समय में जैसे सोच सोच करके शरीर त्याग देता है, उसको जन्म भी वैसे होता है। बोले कहीं नहीं गए, ये घर में जन्म लिया, ये घर में जन्म हुआ है। ध्यान लगा करके देखा ना, घर में कुत्ता बन कर आया। नारद जी बोले कैलाश अभी तो घर की कुत्ता बन गए हो, अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी क्या बताऊं, ये नाला है, कितने नाला है, ये जो जमीन जगत है ना, मैंने कष्ट करके कमाया, इसलिए मेरे को पता कितने कष्ट करके मैंने कमाया। ये नाला है कि रात को सो जाता है, उसको ध्यान नहीं रह जाता कौन आकर क्या चीज उठा कर ले जाता है, और मैं कुत्ते बन करके ना रात भर भोग करते रहते, मैं रखवाली करता हूँ। बोले हे भगवान कुत्ता बन गया। बोले नारद कब जाओगे बोलो, कैलाश कब जाओगे बोलो? बोले बच्चा खड़ा हो ना हो जाए। नारद जी और कुछ दिन बाद में आए, देखा कुत्ता भी शरीर छोड़ देता है, देखा ये घर छोड़ कर कहीं नहीं गया, जरूर इसी घर में ही। ध्यान लगाया तो घर में वो बैल बन कर आया, वो खेती करता है। नारद जी बोले तू अभी बैल बन गया, अरे अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी ये जितने जमीन जगह था मैंने खरीद लिया है, ये क्या करता है, आधा जमीन तो खेती करता है और आधा छोड़ देता है, और मैं इसको जोर जबरदस्त लेकर खेती करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता कितने कष्ट से मैंने जमीन जगह तो खरीद दिया। बोले हे भगवान कितने आसक्ति, देखो कितने आसक्ति,
कुत्ते बैल बन करके बना तब भी आसक्ति नहीं छूट रही है। इतने में बोले कब चलोगे, बोले गुरुजी कुछ दिन बाद में आओ। जब गुरुजी कुछ दिन बाद में आया ना, देखा बैल भी मर चुका है, देखा कहां पर अभी चला गया। पहले पहले देखना जो सोने चांदी को कलसी में गाड़ करके मिट्टी को नीचे गाड़ देते थे चोरी नहीं हो जाए, लेकिन उसको पता था मैंने कहां पर गाड़ करके रखा। उसको ऊपर में एक काला सर्प बन करके बैठा हुआ, किसी को फटकने नहीं देता। नारद जी ने देखा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ये ठंडा होने वाला नहीं। इसको पीछे मैंने 3 जन्म तक घूम गया, अभी तक भी ये आसक्ति छोड़ नहीं रहा है। उसने उसको बेटे को बोला, अगर देख बेटा तेरे पिताजी कुछ सोने चांदी की मोहर एक कलसी को अंदर में गाड़ करके गया है, लेकिन उसको ऊपर में सर्प बैठा हुआ एक डंडा ले आ, लेकिन देख बेटा उसको मारना नहीं, उसकी कमर को तोड़ दे और उसको निकाल ले। सचमुच से डंडा लेकर के आया, देखा सचमुच से एक काला सांप बैठा हुआ। उठाया डंडा और अपना पिताजी मारे अपना पिताजी कमर में, और पिताजी की कमर ही तोड़ दी। बोले इसको फेंको गड्ढा खोदो, खुदा तो सचमुच से वहां पर एक कलसी निकला और उसमें सोने चांदी की कुछ उसमें सोना चांदी था। जब वो निकाल करके ले जा रहा था ना, उसका आसक्ति थी, वो आग फाड़ फाड़ करके वो सांप देख रहा था क्योंकि आसक्ति थी। देखो आप लोग बोलोगे सब कथा कहानी है, देखो आपकी भी छोटी कथा सुनाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कथा करने के लिए बंगाल गया था एक झाड़ग्राम। मैंने जब ये कथा सुनाई, एक व्यक्ति ने कहा बाबा आप सही बता रहे हो। बोले किया, उसने एक न्यूज पेपर बुलाया, बोले बाबा इसको पढ़ो इसको पढ़ो। उसने लिखा हुआ था एक व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए जब नीम खोद रहा था, फावड़ा से हठात झन करके आवाज हुई। बोले ये आवाज कहाँ से हुई, देखा उसमें एक पीतल का कलसी है और उसको अंदर में सोने चांदी कुछ मोहर है। इतने में खबर चला गया पुलिस को पास में, और वो कलसी के ऊपर में एक काला जहरीले सर्प उसको एकदम लपट करके बैठा हुआ, किसी तरह से वो सांप वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। इतने में पुलिस में खबर हो गया, पुलिस आ गया और उसको जब्त कर लिया। और वो जो सर्प था, जो सर्प पकड़ने वाले उनको बुलाया, बुला करके के बोरी में बंद करके करके 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आ गया और वो कलसी को ले गया। देखा आधा घंटा में वो सांप फिर वहीं घूम रहा है। आपको वो पेपर में कल दिखाऊंगा, मैंने अपना पास में रखा है, फोटो लेकर रखा है, एक कलसी और सांप कैसे उसमें लपेट कर कैसे बैठा हुआ। इसलिए ये मिथ्या कथा नहीं, ये कृष्ण गीता में खुद कहते हैं जैसे जैसे हम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं हमें वैसे ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भैया ये दुनियादारी में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति बड़ा दुख का कारण ये आसक्ति होता है। इतने में नारद जी बोले, क्यों कैलाश तेरे पीछे मैंने 3-4 जन्म घूम गया, अब तो सांप बन करके आया, देखा अपना बेटा ही तेरा कमर तोड़ दिया, अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी अभी मैं भजन करूंगा। गुरु जी ने मंत्र पुत्र करके पानी छिड़काव करवाए, चौथे जीवन में इंसान बने। फिर नारद जी मंत्र दिए, मंत्र दे करके जब लेकर वैकुंठ गए ना, ठाकुर जी बोले क्यों नारद जी आप बोल रहे थे ना एक दिन में वैकुंठ भर लोगे, कितना दिन लगा। बोले ठाकुर जी सही बता रहे हो, इसको पीछे तो मैंने 5 जन्म लगाया, फिर इसको मैं वैकुंठ लेकर के आया। भैया ये आसक्ति बड़ा कठिन है। हाँ यही एक उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसे क्या कर्म करो, संसार में रहो खूब पैसा कमाओ खूब जमीन जगह तो करो, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी ये माया आपको पकड़ेगा नहीं, ये माया से ऊपर रहोगे, ऐसे कोई उपाय क्या है। बोले क्या उपाय है, ब्रह्मा जी भी भगवान को स्तुति में कहते, बोले प्रभु कब तक ये माया है। बोले तब तक ये माया है जब तक इसको अपना मानते हो। अगर आप लोग समझो ये जमीन जगह तो किसकी कृपा से मिली, ठाकुर का आशीर्वाद से, इसका मालिक हम नहीं
जिसका मालिक ठाकुर जी है, ठाकुर जी की कृपा से ही हम सब कुछ मिला। कहती ये पत्नी कौन है, बोले ठाकुर जी की सेविका है। बोले बच्चे किसकी कृपा से हुए, बोले ठाकुर जी की कृपा से बच्चे हुए, ठाकुर ने बच्चे दिए। अगर जिनकी परिवार में भगवान की भक्ति हो, पत्नी भी भक्ति करे, बच्चे भी भक्ति करे, पूरा परिवार के परिवार अगर ठाकुर जी की भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, शास्त्र कहता है वो घर नहीं वही वृंदावन धाम है, वही वैकुंठपुरी है, वही अयोध्या है। सीता जैसे पत्नी हो, बच्चे जैसे लवकुश जैसे बच्चे हो, हैं राम जैसे बेटा हो, नाती पोती लवकुश जैसे हो, जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होना वही अयोध्या है, वही वृंदावन है, वही वैकुंठ, वही पर है। इसलिए क्या करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा तो कमाओ लेकिन समझो ये पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की, ठाकुर जी की सेवा के लिए सब कुछ है, ठीक है ना। अगर ये संसार में रहोगे भी, ये संसार में आसक्ति होने पर भी आपको दुर्गति नहीं मिलेगी। क्यों, घर में सबके सब ठाकुर जी की भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नारद जी। आप भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ठाकुर जी के लीलाओं को वर्णना करो, शुद्ध भक्तों की कथा को विवेचना करो, इसे सही शांति और सुख मिलेगी। तब श्री व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा जब उन्होंने समाधिस्थ हुए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को दर्शन किया, कैसे राधा कृष्ण अपना सखियों को साथ में, अपना परिकरों को साथ में ठाकुर जी सुंदर सुंदर कैसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, उन्होंने दर्शन करते हुए और उनको पीछे ये माया कैसे खड़ी हुई, जो जीव भगवान से विमुख होते हैं ये माया कैसे ये संसार में जीव को दुख कष्ट कैसे प्रदान करता है। लेकिन देखा माया जितने जीव को दुख कष्ट देता है, जीव माया से आसक्ति दूर नहीं होता है बल्कि ज्यादा से ज्यादा संसार में फंसते हुए जा रहा है। इसलिए श्री व्यास देव जी ने देखा जब तक ये जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की भजन नहीं करता है, तब तक ये जीव का कल्याण नहीं। इसलिए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर रचना की। बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन ग्रंथ तो बड़े सुंदर बनाए, लेकिन ये पढ़ाए किसी को, लेकिन जिसको पढ़ाने के लिए बनाए ये श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृतम। वो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए। एक दिन व्यास देव का चार शिष्य थे, बोले देखो शिष्यों मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, ये तोते को पकड़ कर के ला सकते हो। बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता आपका तोता कौन है। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चार चेलों को चार मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके जो तोता अपने आप पकड़ में आ जाए समझना वही मेरा तोता है। बोले उन्होंने चार शिष्यों को उन्होंने चार श्लोक सिखाए, जो पहला जो शिष्य था उसको सिखाए कृष्ण कितने सुंदर है। बले बरहा पिरम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिशयम वैजयन्ति च मालां रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशस्तात गीत कीर्ति। अरे कृष्ण कितने सुंदर हैं, कैसे ठाकुर जी के सर में कितने सुंदर मोर पंख है ठाकुर जी धारण करके रखे,
कृष्ण कैसे तीन जगह से कैसे टेढ़े हैं, गले में कैसे वैजयंती माला धारण किए, ठाकुर जी कितने सुंदर पीताम्बर पहने हैं, और ठाकुर जी कैसे मीठी मीठी कैसे बंसुरी ठाकुर जी बजाते हैं। कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, ठाकुर जी की चरण को स्पर्श करते हुए ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। मेरे कितने भाग्य है, ठाकुर जी का चरण स्पर्श मुझे मिलता है। और इतने में सखा लोग जब कृष्ण को साथ में चलते हैं, भगवान की जयकार देते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब उन्होंने ये श्लोक को व्यास श्री सुखदेव गोस्वामी सुने, वो पहले ब्रह्म में ही लीन होकर के बैठे हुए थे, संपूर्ण ब्रह्म ध्यान से बैठे हुए थे। लेकिन ब्रह्म तो निराकार, उसमें कोई रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं। लेकिन हमारे कृष्ण तो बड़े सुंदर है ठाकुर जी, इसलिए कहते हैं ना बोले बांके बिहारी की देखी चटा देखे चटा मेरो मन में गयो लटा बटा। बांके बिहारी की देखे चटा मेरो मन Oh,
सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की सुंदरता को सुने, उनने सारे ब्रह्म ध्यान को छोड़ करके निकल करके आ गए। क्या तुमको ये श्लोक मिला कहाँ से? तब उन्होंने बोले, हमारे गुरु जी ने बताए, मेरा कहिए कि तोता उड़ते हुए चला गया। हमने पूछा आपके तोता कैसे हैं? बोले ये मंत्र सुन करके जो अपने आप जो पकड़े में आ जाए समझना वही मेरे तोता। बोले वही तोता मैं हूँ। बोले वो तो देखने में बड़े सुंदर हैं, आप बताओ वो कहाँ रहते हैं? उनका जो दूसरा जो चला था, बोले जयती प्रतिकाम जन्मना ब्रज बोले वो रहते हैं वृंदावन धाम में रहते हैं। अभी तीसरे चेला ने पूछा, ये बताओ वो किसकी पिता माता? एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे हम किसी बेटी को कहीं शादी देना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या देखोगे? भले किसी चीज को मत देखा करो, पहले वो बर को देखोगे, ये देखने में कैसे? बोले भैया बड़ा सुंदर बेटा है। इसलिए जगत में कृष्ण जैसे इतना सुंदर कोई है? जगत में कृष्ण जैसे सुंदर जगत में कोई नहीं। इसलिए गोपियां कभी कभी कृष्ण को ताना मारते हैं, नंद लाला तू जदि हो तो लाली गला कट जाती कर रहे। अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना, पता नहीं दुनिया में जितने सब के सब क्षत्रिय तेरे को पाने के लिए युद्ध करके आपस में मर जाते, इतने सुंदर। इसलिए बोले कोटि कंदर्प कमन विशेष शोभा, करोड़ों काम देव भी जिनको सामने फीकी पड़ जाते, कृष्ण ऐसे सुंदरता है। फिर क्या देखोगे? है तो भैया सुंदर देखने में, फिर क्या देखोगे? सुंदरता है बेटा देखने में, लेकिन कोई काम धाम करता कि नहीं? बेटी को शादी देंगे, बेटी को भूखे मरी मर जाएगी। इसलिए दूसरे चेला ने बताया, जानते हो कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन में। ये वृंदावन कैसे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, जहां पर चिंता मणि भूमि, जहां पर वृक्ष कल्प वृक्ष, जहां पर तोयमृतम पानी अमृत है, एक लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम से प्रमाणम, हजार हजार लक्ष्मी जहां पर झाड़ू लगाते हैं। बोले भैया पैसा भी कम नहीं। तीसरे चीज देखोगे, हम बेटी को तो शादी देंगे, उनकी परिवार कैसे है, उनकी सास ससुर और देवर कैसे हैं? इसलिए जब तीसरे प्रश्न पूछे, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले उनको जो पिताजी है, पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या? सबको जो आनंद देते हैं। बोले मैया का नाम, बोले यशोदा, यशोदा मतलब सभी को जो जस देते हैं। बोले भैया जेठ का नाम क्या? बोले दाऊ दयाल। क्या नाम है? दाऊ दयाल। श्री बलदेव प्रभु बड़े कृपालु है। बोले भैया परिवार भी बड़े सुंदर है। जो चौथा चीज जो विचार करने का योग्य है, देखने में सुंदर, पैसा की कमी नहीं, परिवार बड़े बढ़िया, लेकिन जो बेटा है ना देखने में तो सुंदर है, लेकिन उसका नेचर कैसे? ऐसे नहीं दारू पी करके दिन भर पड़ा नहीं रहता है, बड़ा क्रोधी तो नहीं, बात बात में हाथ तो नहीं उठाता है, हैं? फिर बच्चा जितने अच्छे क्यों नहीं, अगर दिन भर जुआ खेले शराब पी बड़े क्रोधी, फिर बेटी को दोगे? बोले भाई भैया जरूरत नहीं, तो अपना पैसा अपना पास में रख। इसलिए चौथा प्रश्न किया, भैया उसका नेचर कैसे है? चौथा चेला ने बोल दिए, बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम। बोले इनके जैसे दयालु जगत में कोई नहीं, क्यों? पुतना ने स्तन में काल कुट जहर लेकर कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन हमारी कन्हैया इतने दयालु इतने कृपालु, जो राक्षस थी, बच्चों को खून पीने वाली,
कृष्ण के लिए जहर लेकर के आई थी, लेकिन हमारे ठाकुर इतने दयालु, गुना अवगुना प्रभु देखो ना, ठाकुर जी किसकी अवगुणता प्रति नजर नहीं रहता है, केवल गुण को देखने वाले कृष्णा। ए सुखदेव इतना सुनते ही हाथ उठा करके कम बा दयालु शरणम ब्रजे मां, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके और किसकी शरण में जाएंगे। फिर उन्होंने व्यास देव ने पूरी सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई, इसलिए ये भागवत वक्ता की ये कथा। बोले श्रोता कौन है? श्री परीक्षित महाराज है। जो परीक्षित महाराज मातृगर्भ में, जब वो मातृगर्भ में थे उसी समय अस्वस्थ माने इनके मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा जब कृष्ण की शरण में आ गए, ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करते हुए उनको रक्षा किया है, इसलिए गर्भ में ठाकुर को दर्शन किया था। जब उन्होंने निकले सबको परीक्षा कर रहे थे, जो गर्भ में जो कृष्ण को हमने दर्शन की वो कृष्ण कहाँ पर है, सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित नाम पड़ गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। अभी कृष्ण द्वारका में रहते हुए बड़ा दिन हो गया, जब जब कृष्ण तैयारी होते हैं जाने के लिए, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। इतने में एक दिन मैया कुंती आकर के ठाकुर को स्तुति कर रही है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब मैया कुंती स्तुति कर रही थी, कृष्ण ने कहा बुआ जी तू जाके उल्टा गंगा बहा रहे हो, कहा मुझे तुम्हें स्तुति करनी चाहिए, तू स्तुति कर रही हो। बोले कन्हैया यही तो तेरी माया है, कहा विश्व ब्रह्मांड का तू मालिक हो, किसको बुआ किसको पिता किसको भैया भैया बना करके दुनिया को तू पागल बना करके रखे हो, कहा तुम दुनिया की मालिक हो। बोले ठीक है बुआ जी, आज जो कुछ तू मेरे से मांग लो। कुंती बुआ क्या मांगती है? बोले विपतो ही संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु, अगर मेरे झोली में देना चाहते हो मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे को संपत्ति मांग दी, तू विपत्ति क्यों मांगती हो? बोले कन्हैया कल सुख के माथे सील पड़े, जो राम हृदय से जाए बलि हरि हो दुख को जो फल फल नाम जपाए, इसलिए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को आए। आप लोग बताओ दुख में ज्यादा स्मरण करते ना सुख में करते हैं? कब ठाकुर का स्मरण करता हो? इसलिए कुंती कहती है प्रभु प्रभु जिसको पास में ये चार चीजें आ जाए ना वो कभी तेरे भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज क्या? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी कुमान, ये चार चीज बड़ा अहंकार देने वाले। अगर किसी उच्च घर में जन्म हो जाए, अरे हम इतने बड़े परिवार में जन्म हुई उच्च ने खानदान में, वो भजन नहीं करेगा। अगर थोड़ी सी पैसा आ जाए, बोले किस चीज की कमी भजन करेगा? अगर थोड़ी सी विद्या बुद्धि आ जाए और ज्यादा अहंकार, और थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए ना, बोले हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं ठाकुर जी ये चार चीज में अगर एक चीज किसको अंदर में आ जाए ना वो तेरा भजन नहीं करेगा, वो बड़ा अभिमान देने वाले हैं। इसलिए नमो अकिंचन बिताय निवृत पुनः वृतये, जो अकिंचन दीन ही नहीं तेरे भजन करने वाले। इसलिए ठाकुर जी हमें दुख भर दो, इसका प्रमाण देखो, जब जब हम जंगल में भटके, जब जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई तब तक हम भुलाए, हर समय तुमने साथ दिया है। लेकिन जब मैं राजमाता बन गई, युधिष्ठिर राजा बन गया और द्रौपदी राज रानी बन गई, अभी हम तुम्हें छोड़ना चाह रहे हो घर, हमें तुम छोड़ना चाहते हो, इसलिए मेरी झोली में विपत्ति भर दो। देखो ध्यान देखो सुनो, क्या इसका मतलब है जो भगवान की भक्ति करे उनके घर में विपत्ति विपत्ति आए? बोले नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो भजन करे उसको विपत्ति विपत्ति आए। यहाँ पर कुंती ये बोलना चाहती है ठाकुर जी जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो ठाकुर जी, जो जिस स्थिति में तुम हम क्यों नहीं रखे, जैसे कभी कभी हम भूले नहीं,
हर समय तेरे को हम स्मरण करते रहे। ये तात्पर्य नहीं हमारे घर में दुखी दुखी आए, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। एक बार हाथ उठा करके बोला सबके सब, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्णा बोले अभी हमें विदाई दो द्वारका के लिए, कृष्णा अभी द्वारका में गए हुए 7 महीना हो गया अभी तक नहीं आए। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, इतने में देखा अर्जुन का आते हुए पूरा उसको चेहरा उतारा हुआ। बोला अर्जुन क्या हो गया? बोले ठाकुर जी ये संसार छोड़ करके चले गए। इतने में सुनते ही उसी समय कुंती माता जी ने शरीर त्याग दी, पंच पांडव भी कहते श्री परिकेत महाराज को राज्य सिंहासन में अभिषेक करते हुए वो भी महाप्रयाण में वो भी चले गए। एक दिन श्री परिकेत महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, उन्होंने चतुरंगिणी शनि को लेकर के देखने के लिए गए मेरे देश में, कहां पर ये अनित्य हो रहा है। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही थी, एक बैल का 3 पैर नहीं वो 1 पैर में खड़ा हुआ, एक राजा शूद्र वो 1 पैर को भी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, और वो जो बैल बड़े जोर जोर से बिष्टा मूत्र को परित्याग करके भी रो रहा था। परिकेत महाराज को क्रोध आया, मयान से तलवार को निकाल करके झपट पड़े, लेकिन वो था स्वयं कली, उसको पता है हम जितने बड़े अपराध क्यों नहीं हो, ये अर्जुन का वंश में जो आए हैं अगर उनकी शरण में चले जाओ तो वो मारते नहीं थे। सीधा उन्होंने परिकेत महाराज का चरण में गिर पड़े, बोले तुम कौन हो? बोले मैं कली हूं। बोले ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। बोले 3 चरण गया कहां? बोले सत्य त्रेता द्वापर 3 युग बीत गया, धर्म का 3 चरण खत्म हो गया, धर्म का 4 चरण ही कली युग में केवल दान के ऊपर में ये खड़ा हुआ। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं चाहता हूं ये कली युग में धर्म कर्म कुछ रहे ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाए। इतने में परिकेत महाराज बोले मैं जब तक हूं तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, निकल जा मेरे घर सामने नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहां जाऊं, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर है अभी आपका राज्य तो चल रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरे को कहीं स्थान दे दो। परिकेत महाराज सोच रहे हैं कलियुग में तो दोष ही दोष, कलियुग में कोई गुण है ही नहीं, लेकिन कलियुग में अस्ति एक महान गुण, कलियुग में एक महान गुण है, बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम वत परम ब्रज। अगर कलियुग में थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर लो ना, इसी से ही जीव का उद्धार हो जाएगा। यद्यपि कलियुग में दोष ही दोष है, इसलिए उन्होंने कलियुग को उन्होंने स्थान दे दिया। बोले कहां कहां पर स्थान दिया, सब ध्यान देकर सुनो, कहते उन्होंने 4 जगह पर उन्होंने स्थान दे दिया। तात्पर्य है कलियुग में अगर हमने केवल 4 नियम को पालन कर ले और थोड़ी सी ठाकुर का नाम कर ले उद्धार हो जाएगा, और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। उदाहरण दिया, जैसे हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर कहता है देखो दवा तो बहुत बढ़िया दूंगा, लेकिन अगर परहेज को साथ में दवा लोगे ना जल्दी से जल्दी ये बीमारी सही हो जाएगी, अगर बगैर परहेज का अगर दवा लोगे लेकिन बीमारी सही नहीं होगी। इसलिए कलियुग में दवा क्या है, सबसे मीठी दवा ठाकुर जी की नाम है, लेकिन परहेज 4 परहेज है। आप लोग ध्यान से सुनो और कोशिश करो केवल ये 4 नियम को पालन करो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम ले लो उधार हो जाएगा। पहले किया 4 नियम किया है, बोले दूतम कलियुग में जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य है, जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी भी सच नहीं बोल सकता है, वो झूठ को बोले झूठ ही बोलेगा। इसलिए स्वयं युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूं लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गया, पहले तो भाई लोगों को मैंने हारा, राज्य को मैंने खोया, फिर पत्नी द्रौपदी को भी मैंने जुआ में लग बैठा दिया, उसको भी हार गए,
फिर भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरना देखना पड़ा। 12 साल तक जंगल में, 1 साल विराट का राज्यों में दासत्व करना पड़ा मेरे को। इसलिए खबरदार, कभी जुआ मत खेला करो, मना कर देते हैं। कभी भी बैठी करके जुआ को मत खेलनी चाहिए। अगर जुआ खेलोगे तो इतने तुम्हारी सत्यानाश हो सकती है। दूसरा नंबर पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लिया करना, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये गंदी चीज है। ये जो गुटखा है ना, जिसने ये गुटखा की कंपनी खोला है, आप पता लगा कर देखो, वो स्वयं कैंसर में मरा है। वो खुद तो कैंसर में मरा और दुनिया को मरवा कर गया उसने। इसलिए गुटखा फुटका नहीं लेनी चाहिए, कैंसर हो जाता है, मुंह गल जाती है। जैसे हम लोग कोई चीज खाने के बाद मुंह धोते हैं कि नहीं? अगर कोई चीज खाने के बाद मुंह धोते हैं, है ना, तो अपवित्र है। अगर दिन भर गुटखा खाते रहे तो मुंह तो तुम्हारे अपवित्र रहा है। अरे अपवित्र मुंह में कैसे ठाकुर का सेवा भक्ति कैसे करोगे? इसलिए ये गुटखा फुटका को नहीं लेनी चाहिए। लो तो लंग लो, इलायची लो, है सौंफ लो, जो शरीर के लिए हेल्थ कर उसको लेनी चाहिए। मिश्री लो, कोई अच्छी चीज लो ना, ये गुटखा को क्यों लेंगे? ये पेट की हजम शक्ति, पेट में पत्थरी भी बनाता है, बहुत गंदी चीज। इसलिए ये चीज से दूर हमें रहनी चाहिए, ठीक है? ये गुटखा फुटका कोई नहीं खाओ। आप एक संत तो कह रहे थे, आप बताओ गुटखा का पहला अक्षर क्या है? आप बताओ गुटखा का पहला अक्षर क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो, गुटखा का पहला अक्षर क्या है? कोई बोल नहीं रहे हो? हाँ, ये गंदी चीज है, बू है, ये गुटखा नहीं, इसलिए सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। और शराब खराब है तो कभी भी शराब नहीं लेनी चाहिए, है? ये सब गंदी चीज है। संत कहते हैं जो शराब पीते हैं ना, उनको 3 लाभ है। कितना लाभ है बोलो जोर से, इसका इको थोड़ा कम कर दो। इसके 3 लाभ है। पहला लाभ है, जो शराब पिएगा पहला लाभ, वो कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास ना हरिनाम लेने के लिए आए, देखा 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा ये बच्चों का पिताजी कहाँ गए? बोले मर गए। बोले मर गए कैसे? बोले पीते थे, ये करते थे, पीते थे। जब पकड़ा गया दोनों लीवर ही खराब। इसलिए पहला लाभ क्या है, वो बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी नहीं होगी मतलब क्या? चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर देगा, पर चोरी किस चीज की होगी? तीसरा लाभ, कुत्ते दोस्त बनेंगे, मतलब कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के पेशाब कर चल जाएंगे। इसलिए ये सब चीज तो हमें दूर रहनी चाहिए, गंदी चीज से। हाँ, नशा हो, एक ही जीवन में नशा हो, प्रभु की प्रेम, प्रभु की भक्ति ही जीवन में नशा होनी चाहिए। ले दुतम पानम, इसको ग्रहण करने से तपस्या नष्ट हो जाती है। जो तीसरा चीज है स्त्रियम, कहती जो कली का निवास, स्त्रियों में भी कली का निवास है। बल से कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है? बल जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष का संग, अब पुरुष जो स्त्रियों का संग करते हैं अवैध रूप में, वहां कली का निवास है। यहां पर कहते पवित्रता नष्ट हो जाती है। संसार करो, शादी करके अपना पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थी बनाओ। बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो, शास्त्र इसको एकदम स्वीकार नहीं करता है। पंचम स्कंध में तो इसकी बड़ी दंड बताए, बड़ी बहुत बड़ी उनको दंड मिलता है, जो अवैध रूप में जो स्त्री पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं। इसलिए ये चीज हमें त्याग देनी चाहिए, इससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा जो चीज है, जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, और ये प्याज लहसुन भी है, ये चीज हमें नहीं लेनी चाहिए, इससे हमें दूर रहनी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह पे तो कोई मांस मछली खाते नहीं होंगे, हैं? और अंडा भी कोई खाते नहीं होंगे, लगता है थोड़ी बहुत तो प्याज लहसुन खाते होंगे, खाते ना प्याज लहसुन, लेकिन ये भी चीज अच्छी चीज नहीं। देखो जैसे नवरात्रि आती है ना, 9 दिन तक इसको कोई घर में
नहीं घुसाते हैं। बोले क्यों नहीं घर में लेते हैं? इसलिए पुराने में कथा है, ये कथा को सुन लो। बोले पहले पहले ऋषि लोग अपने आश्रम में गैया पालते थे, वो माता है, गैया की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी उसको मरने नहीं देते, क्यों? वो माता है। वो यज्ञ करते थे और यज्ञ में वो गैया को बलिदान देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जो वो मंत्र पढ़ते थे बूढ़ी गैया भी जवानी बन जाती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई, यज्ञ के अनुष्ठान की गैया की बलिदान दिए, सबका हाथ में मांस दे दिए आहुति डालने के लिए। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने मांस को देखकर खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने खाए कैसे, उन्होंने राखों में उसको छुपा दिए। बोले जब सबके सब चले जाएंगे फिर हम खाएंगे। जब सबके सब आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र पढ़े, तो वो बूढ़ी गैया पूरा जवान बन करके निकली। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था वहां पर इतना बड़ा घाव बना हुआ भराने में। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगा करके देखा किसने ये मांस खाने के लिए छुपाया, उन्होंने अभिशाप दे दी। बोले जहां पर उन्होंने ये मांस को छुपाया, मांस जैसे लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज की पौधा भी लाल लाल रंग के होगा। मांस सड़ जाने पर जैसे बदबू आती है, कहते उससे वैसे ही बदबू आएगी। आप कच्चा प्याज खाओ देखना मुंह से बदबू निकलती है, यहाँ पर काटो पता चलेगा कहीं बदबू, कहीं प्याज कट रही है। इसलिए ये चीज ठाकुर को भोग में नहीं लगता है, इसलिए नवरात्रि आने पर 9 दिन तक उसको कोई घर में घुसाते भी नहीं, खाते भी क्यों नहीं खाते हैं? क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा है? इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ठाकुर जी को भी पसंद नहीं, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। इसलिए जहां पर हड्डी गाड़ दिया वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर ये खून का बूंद गिरा था वहां पर मसूर डाल दी। इसलिए सब चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने ये 4 जगह पर कली को स्थान दिया, कली तभी खुश नहीं, बल्कि कहां का मैं ढूंढू, कौन जुआ खेल रहा है, कौन मांस खा रहा है, कौन गलत काम करता है, मैं कहां कहां पर ढूंढू, मेरे को ऐसे एक जगह दे दो, एक जगह पर सब कुछ चीज मिल जाए। फिर उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया। कहते ये सारे पाप कहां पर होता है? आप देखना ज्यादा जहां पैसा है ना, वो ज्यादा अनर्थ वहीं पर है। सारे गंधी काम, मांस, शराब, जितने सारे उल्टा पुल्टा जहां पर ज्यादा पैसा है। अभी प्रश्न होता है, भैया पैसा तो लक्ष्मी है, पैसा को लक्ष्मी कहते हैं, फिर लक्ष्मी ये सारे लक्ष्मी में ये सब दुर्गुण कहाँ हो सकती हैं? तब वहां पर शिक्षा दिया है, कहते लक्ष्मी की 2 वाहन हैं। कितने वाहन लक्ष्मी की, क्या क्या बोलो, कौन बोलेगा लक्ष्मी की 2 वाहन क्या क्या, कौन बोलेगा, हाथ उठा, लक्ष्मी की क्या 2 वाहन है? हाँ अच्छे तरह से समझो, लक्ष्मी की 1 वाहन उल्लू है। मतलब घर में जब लक्ष्मी आती है ना, वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हमें उल्लू बनाती है, मूर्ख बनाती है। लेकिन लक्ष्मी अकेली उल्लू को ऊपर बैठती, मतलब क्या, घर में लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर कुछ होता नहीं। लेकिन लक्ष्मी को अकेले मत बुलाया करो, अगर अकेली जब लक्ष्मी को बुलाओगे, माँ लक्ष्मी आओ, क्यों, तुमको हम भोग करेंगे, मेरे को तुम भोग करोगे, मैं नारायण क्यों हूं? तब वो उल्लू को ऊपर बैठ के आती है और हमें उल्लू बनाती है। फिर जितने अनर्थ, जितने दुख कष्ट को लेकर के आती है, अगर लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी के बगैर नारायण की सेवा होगी नहीं। वह माँ लक्ष्मी आओ, तुम तो नारायण की हो, तुम कृष्ण की, तुम्हारी सेवा के लिए हम बुला रहे हैं। आप देखना गरुड़ को ऊपर फिर लक्ष्मी बैठ करके आती है, वो अकेली कभी बैठ करके नहीं, वो नारायण के साथ में बैठ करके आती है, फिर घर को ये वैकुंठ बना देती है। इसलिए देखना हर विष्णु मंदिर में गरुड़ जी है। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाया करो, हैं? ठाकुर जी को सेवा में लगे तो फिर आपका घर को ये गोलोक वृंदावन लक्ष्मी बुला देती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। अभी से ब्रह्मा जी के नाभि कमल से कहते भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुई है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी को आदेश दिए ये सृष्टि का क्रम को तुम बढ़ाओ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी श्री चतुसर्ग को सृष्टि की। बोले भगवान का आदेश सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। चतुसर्ग ने मना कर दी। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ललाट श्री रुद्रदेव प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की। शंकर जी को भी आदेश दिए। शंकर भी बोले भैया ये माया की संसार में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। शंकर जी ने सोचा अगर मैंने मना कर दिया ना फिर पिताजी बिगड़ जाएंगे। उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले बंद करो जरूरत नहीं ऐसे सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 10 संतान को फिर अपना बाम और डाण अंग से मनु और शत्रुपा को उन्होंने सृष्टि की। और यहीं से ही सृष्टि धीरे 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 यहीं से ही सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए श्री मनु महाराज से हम सृष्टि हुए इसलिए हमको मानव कहते हैं। लेकिन ये हमारा जो साइंस है ना, हाँ जो डार्विन है इनका थियोरी है हमारी जो पूर्वज लोग पहले बंदर थे। कौन थे पूर्वज लोग पहले कौन थे? उनका डार्विन का थियोरी ये बंदर थे। ये बंदर का पूछ कटते कटते जब खत्म हो गया ना फिर हम इंसान हो गए। लेकिन ये हमारे शास्त्र कहीं नहीं कहता है हमारे पूर्वज लोग बंदर थे। अगर बंदर से अगर हम हुए हैं अभी कितने सारे बंदर घूमते रहते हैं। अभी कोई बंदर इंसान बना है? उसी समय एक बंदर से क्यों इंसान बना अभी क्यों नहीं बन रहे? इसलिए हम लोग कहां से हुए? श्री मनु महाराज से हुए। इसलिए हमको क्या कहते हैं? मानव कहलाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। हम कहते हैं ना ठाकुर जी हमारी पिता माता हैं। इसलिए किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ हम बंदर से हुए। देखो मुसलमान का ग्रंथ कुरान है। ये कुरान को पढ़ करके देखो कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। ये कुरान कहता है। अब बाइबल को पढ़ो ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है वहां भी लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज। ठाकुर ने अपना जैसे इंसान को बनाया। हमारी ग्रंथ भगवद गीता है। कृष्ण गीता में कहते क्या कहते हैं ममे इमांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कहते जगत में जितने जीव है सबके सब हमारी अंश है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखे। रामचरितमानस में क्या कहते हैं? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए कहीं पर नहीं लिखा हुआ ये बंदर से इंसान हुए। ये बंदर से कभी इंसान नहीं बन सकते। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले गोल कर गया। बोले ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती बताया था ये चीज को तुम प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से इंसान बने। बोले क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाना चाहते थे लोगों को नास्तिक। लेकिन ये थ्योरी हमारे भारत में पढ़ाई होती है। अब अमेरिका में जाओ ये थ्योरी नहीं पढ़ाई होती। अमेरिका में ये थ्योरी नहीं पढ़ाते बच्चों को। हमारे भारत कहां भगवान की जन्मभूमि यहीं पर बच्चों को नास्तिकता सिखाया जाता है। इसलिए कभी बंदर से इंसान कभी नहीं बन सकते। हम कहां से हुए हैं? ठाकुर जी से हम हुए हैं। भगवान कृष्ण से हुए हैं। ठाकुर जी की राम से हुए हैं। इसलिए भगवान अपना जो चेहरा को देखो कृष्ण राम जैसे है कि नहीं? भगवान की आंखें जैसे हमारी भी आंखें ऐसे है। ठाकुर जी का दो हाथ हमारे भी दो हाथ है। ठाकुर जी का दो पैर हमारे भी दो पैर है। ठाकुर जी को साथ में हमारी शरीर मिलता है। बंदर से मिलता है? बताओ बंदर का हाथ से ना पैर से ना मुंह से मिलते हो। इसलिए हम कहां से हुए? श्री मनु महाराज से हुए हैं। बोले श्री मनु महाराज की। इसलिए उन्होंने दो बेटे और तीन बेटी हुई। दो बेटे कौन हुए? उत्थान पात्र प्रिय व्रत और तीन बेटी आकृति देवती प्रसूति हुई। यहाँ पर माता देवती की कथा आती है। जब माता देवती को साथ में श्री कर्दम ऋषि की शादी हो गई इतने में माता देवती बड़ी उन्होंने पति की सेवा की। पति की सेवा करते करते उसने एकदम बूढ़ी हो गई।
लेकिन जो स्त्रियां पति की सेवा करती हैं, ये पति व्रता में बड़ी ताकत है। जब ऋषि ने देखा मेरी सेवा करते करते बूढ़ी हो गई, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले अपने भगवान से क्या वर मांगा था। बोले अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। वर मांगे थे ना। बोले हाँ। बोले कहाँ बेटे हुए। बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही पहले जितने सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। हजार दास दासियों को साथ में प्रकट हुई। इतने में उन्होंने एक कामक विमान सृष्टि किया। देखो पहले जो साइंस है ना, अभी का साइंस से बहुत ज्यादा एडवांस था। पहले पुष्पक विमान था, रावण सीता जी को उठा करके ले गया था। देखे कि नहीं पुष्पक विमान। जब भगवान राम अयोध्या से आए ना, सारे बंदर सैनिक हजार हजार बंदर को सबको लेकर के ठाकुर जी अयोध्या, ये लंका से अयोध्या आए। उसका नाम था पुष्पक विमान। जैसे बोला वैसे चलेगा, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने कामक विमान बनाए। मतलब क्या, जैसे इच्छा करो वैसे उड़ेगी। बोले कितने क्रोश तक थी, बड़े सुंदर सरोवर, बड़े सुंदर वहां पर पेड़ पौधा फल फूल से भरा हुआ। वर्णना आती है उसमें जो बैठेगा ना, कभी भूख प्यास तुम्हें नहीं लगेगी, कभी कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगे। जैसे बोलोगे वैसे उड़ेगी। अद्भुत कामों के विमान उन्होंने बनाए। और उन्होंने देवती को साथ में उन्होंने विहार की। बड़ी सुंदरी उनको नाथ बेटी हुई। बोले देवती अभी तो खुश। बोले नहीं, बेटियां शादी होकर के अपना अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी ठाकुर तो बच्चे बन करके नहीं आई। जब उन्होंने पति की सेवा की, ठाकुर जी स्वयं उन्होंने ठाकुर जी कपिल मुनि बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जय। अभी जब भगवान कपिल मुनि बन करके आए, इतने में जब उन्होंने नौ बेटियों की शादी हो गई, अभी घर में केवल तीन व्यक्ति रह गए, पिता माता और बेटे रह गए। इतने में कर्दम ऋषि ने कुछ बोले थे, प्रभु जी तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, उसको बाद में फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। इतने में कर्दम ऋषि अभी भजन करने के लिए चले गए। देखो या समझो। बोले भैया भजन कर, किसको भजने के लिए जा रहे। बोले ठाकुर जी को। बोले ठाकुर तो बेटा बन कर गया है, भगवान ही बेटे बन कर तुम्हारे घर में बैठे, फिर बाहर कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर शिक्षा दिए हैं, जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए हमारी जो लक्ष्य है ना, लक्ष्य ठाकुर जी नहीं, हमारी लक्ष्य ठाकुर जी का प्रेम है। समझ रहे कि नहीं। हमारी जो जीवन का जो लक्ष्य है ना, भगवान जीवन की लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है भगवत प्रेम। बोले इसका मतलब क्या। बोले इसका मतलब है, आप बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं। बताओ रावण ने राम को देखा था कि नहीं। देखा था ना, लेकिन कुछ लाभ हुआ कि नहीं। कुछ नहीं हुआ, ठाकुर से युद्ध किया। मेघनाद ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं। देखा था ना, लेकिन भगवान को नागभास बंधन में बांध दिया, शक्ति शैल की प्रभाव की। कृष्ण को कंस ने देखा कि नहीं। बोलो कंस देखा कि नहीं कृष्ण को। देखा था ना, लेकिन कोई लाभ हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ, भगवान को मारने के लिए कोशिश की। इसका तात्पर्य है, हृदय में जब तक प्रेम नहीं आ जाए ठाकुर का प्रति, अगर ठाकुर साक्षात अगर मिल भी जाए, तुम्हारे कोई लाभ होने वाले नहीं। लेकिन वह प्रेम कैसे होगा। बोले जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक ये प्रेम हमें नहीं मिल सकते हैं। इसलिए साक्षात यहाँ पर श्री कपिल भगवान रहते हुए भी ठाकुर जी स्वयं पिताजी चले गए भजन करने के लिए। माता जी को पता मेरे बेटा भगवान है। एक दिन अपना बेटे को प्रश्न करती है, बेटा स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल इधर उधर भटकता है, बताओ मेरी कल्याण कैसे होगी। भगवान ने कहा माँ ये जो मन है ना, कहते मन एव मनुष्य नाम कारण बंध मत्स्य। यही मन जब ठाकुर जी के चरण में लगाओगे ये मुक्ति के कारण बनती है। यही मन को जब विषय में लगाओगे फिर ये मन बंधन का कारण बनता है। इसलिए माँ ये मन को ठाकुर के चरण में लगाओ। बोले बेटा बोलना तो बड़ा सहज है लेकिन करना बड़ा कठिन है। बोले माँ अगर ये मन को तुम मनमोहन में लगाना चाहते हो, सबसे सरल उपाय है सतांग प्रसंगात मम वीर संविदो। तुम ये जीवन मन को तुम सत्संग में लगाओ। जब तुम सत्संग में लगाओगे
उनकी संगत में जो मेरी विजयवती कथा होती है, ये कथा सुनते सुनते श्रद्धा भक्ति और एक दिन प्रेम तुमको प्रकट होगा। और क्या होगा बोले अप वर्ग वर्तमनी, ये जो प वर्ग है, प वर्ग मतलब प फ ब भ और म, ये प वर्ग है। प मतलब परिश्रम, बोले फ मतलब फेन, भ मतलब भय, ब मतलब व्यर्थ, म मतलब मृत्यु। अगर तुम संतों का संग करोगे ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए माँ तू संतों की संग करो। बोले बेटा संतों को पहचानना भी कलयुग में तो विशेष विशेष करके संतों को पहचानना बड़ी कठिन है, इसलिए संतों का कुछ लक्षण बता दो। तब भगवान बोले माँ बोले तितिक सब कारुणी सुहीद सर्वदेना अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। बोले संतों का जो पहला लक्षण है सहन शक्ति है, जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है। संतों का पहला लक्षण है जीवन में सहन शक्ति हो। तितिक सब अरे कारुणी को बड़े दयालु होते हैं, अजात शत्रु जगत में उसका कोई शत्रु नहीं होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, उनने सारे संतों की लक्षण उन्होंने बताए। इसलिए माँ संतों की लक्षण करो, लग तुम संग करो। इसलिए माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं माँ ये सर्वश्रेष्ठ है। बोले अहो बत सपोच अतो गरिया चत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। बोले माँ भले ही वो चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर किसी की जिहा के अग्रदेश में अगर कोई व्यक्ति भगवान की नाम लेते हैं माँ समझो वो पूर्व जन्म में चार काम करके आए हैं, तभी इसी जीवन में कोई जिहा में ठाकुर का नाम ले रहे हैं। बोले चार काम किया है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं, सारे दान कर चुके हैं, सारे उन्होंने तीर्थ भ्रमण कर चुके हैं, जितने बड़े से बड़े यज्ञ कर चुके हैं पूर्व जन्म में, तभी इसी जीवन में कोई ठाकुर जी की नाम को जप करते हैं। एक बार सबके सब हाथ उठा कर बोलो, एक बार हाथ उठा बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो सबके सब बोलो, जो बोलेगा ना उसका तो पाप उठ जाएगी, लेकिन पाप जाकर बैठेगा कहां पर जो बोलेगा नहीं। ठीक है जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हाँ तीन बार बोलनी चाहिए, और एक बार बोलो जोर से, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। भगवान माँ को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए ठाकुर जी चले गए। ठाकुर जी चले गए, बोले कहाँ चले गए, भगवान गंगा सागर चले गए। अभी मकर संक्रांति का दिन, साल में एक बार ठाकुर जी की दर्शन प्राप्त होता है। बोले श्री भगवान कपिल भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ प्रभु तुम कहेगा। हाँ देखो कल भागवत का चौथा दिन है, कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले, भगवान कृष्ण कल जन्म लेंगे। बोला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रजवासी थे सबके सब छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब पहन करके हम भगवान को बधाई देने जाए। इसलिए कल भी आप लोग जितने हमारे भाई लोग हैं सब गोप भाव से आना, क्योंकि ठाकुर जी प्रेम की भूखे हैं। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। और जितने भाई लोग बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके, ठीक है, जैसे सबके सब ब्रजवासी आए थे भगवान को बधाई देने के लिए, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, हो सके तो धोती पहन करके आओगे तो बहुत बढ़िया है। आप लोग तो सब ब्राह्मण है, तिलक कंठी सब धोती पहन करके आना, ठीक है। और जितने माता हैं सबके सब 84 गंज की लहंगा पहन करके, लहंगा आएगी नहीं,
अगर लहंगा है तो कोई बात नहीं, कोशिश करना अगर आपके घर में पीला रंग की है, अगर साड़ी कुर्ता हो तो उसको पहन करके आना, पीला हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो कोई भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आना, क्योंकि ठाकुर जी कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले, कल हम बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोलो जय कन्हैया, सब गोप गोपी बन करके आना, और हो सके तो घर से जैसे लुटा नहीं ना, थोड़ी टफी हो, मखाना हो, अगर खिलौना हो तो लेकर के आना, कोई भी तो कोई बात नहीं, वैसे ही आओ, अगर हो तो लेकर के आओ, क्यों ठाकुर जी की जन्म तिथि कल मनाएंगे, ठीक है। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हाँ और एक प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है, कोशिश करना टाइम से आने के लिए, कितने बजे आने के लिए, कम से कम 3 बजे किसी तरह से आ जाओ, कितने बजे, जब सिनेमा देखने जाते हो कब जाते हो, पहले जाते हो ना बीच में जाते हो, बोलो कब जाते हो, पहले जाते हो ना, हाँ इसलिए देखो हमारे प्रभु जी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, देखो इधर सुनो ध्यान देखे, हम संत हैं, हम ऐसे जो साधारण कथा करने वाले आते हैं, हम ऐसे व्यक्ति नहीं, हम चाहते हैं ये 7 दिन में आपको ऐसे कुछ चीज दे करके जाए जो कि आपका जीवन धन्य हो जाए, आपका जीवन प्रभु की प्रेम में डूब जाए, हम कुछ देने के लिए आपसे आए हैं, इसलिए कोशिश करते हैं इतने अच्छे तरह से समझाने के लिए, जैसे आपका दिमाग में कोई चीज बैठे, गंदी चीज को छोड़े अच्छे चीज को लेकर के जाओ, जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होता है वो घर भगवान के धाम बन जाता है, वही घर ही धाम बन जाते हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं ये स्थान को दूसरे काशी मानी जाती थी, इतने विद्वान रहते थे, लेकिन धीरे धीरे पहले जो पीढ़ी थे संस्कृत पढ़ते थे, बड़े बड़े विद्वान रहते थे, अभी जो नए जो जेनरेशन आए हैं, गुटखा खाना, सिगरेट फूंकना, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं रखना, धीरे 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 सब खत्म हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं फिर आपको उजागर करने के लिए, 2 बार प्रभु की भक्ति में डूब जाओ आप लोग, हम ये चाहते हैं, इसलिए हम इतने कष्ट करके समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझेंगे कब, जब आओगे ना कथा, तब नहीं आओगे तो नहीं समझोगे, इसलिए आपसे प्रार्थना है किसी ना किसी तरह से 3 बजे, और तो 2-4 दिन बाकी रह गया फिर तो हम चले जाएंगे, हमारे लाल प्रभु जी बुलाए तभी हम आए हैं, यहाँ पर बल्ले पैंडल बनाए, बैठने के लिए चेयर भी, फिर कथा के बाद में प्रसाद की व्यवस्था कर दिए, ठाकुर जी की प्रसाद भी मिलेगा, केवल आना और बैठना, ठीक है। देखो श्रोता हनुमान जैसे बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ देखो और 1 मिनट सुनो, तुलसीदास का नाम सुने हो, ये तुलसीदास जी जब शौच क्रिया में जाते थे एक लोटे में पानी ले जाते थे, शौच क्रिया के बाद में एक नीम वृक्ष में उसकी जड़ में पानी डालते थे, वो वृक्ष में एक प्रेत रहता था, एक दिन वो प्रेत प्रकट हो गया, बोले तुलसीदास तुम्हारी पानी से ही मैं जीवन धारण करता हूँ, बोले मैंने कब आपको पानी पिलाया, बोले मेरे प्रेत जन्म प्राप्त किया है, कोई शुद्ध पानी को मैं नहीं पी सकता हूँ, अशुद्ध पानी को मैं पीता हूँ, आप शौच क्रिया को बाद में जो पानी बच जाती है पेड़ में डालते हैं ना, ये वृक्ष में रहता हूँ मैं पानी पीता हूँ, आज मैं खुश मेरे पास में जो मांगोगे सो दूंगा। तुलसीदास का राम भक्त है, बोले दे सकते हैं, बोले हाँ, बोले राम लक्ष्मण का दर्शन करा सकते हैं, वो प्रेत ने बताए अगर आपको मैं राम लक्ष्मण को दर्शन करा सकता था फिर मैं प्रेत क्यों बना पड़ा हुआ, उपाय मैं बता सकता हूँ, बोले बताओ, बोले चित्रकूट के घाट में, तब उन्होंने उपाय बताए, एक काम करना वहां अमुक स्थान पर जाओ, रोज वहां पर राम कथा होती है, ध्यान देकर सुनो सब, रोज वहां पर राम कथा होती है, देखना कथा से पहले एक व्यक्ति आएगा, कथा प्रारंभ होने पहले एक व्यक्ति आएगा, सबसे पीछे बैठेगा और कथा जो होती है कथा स्थान को प्रणाम करेगा, श्रोताओं को प्रणाम करेगा और हाथ जोड़ करके गदगद होकर सुनेगा, जब सबके सब चले जाएंगे फिर सबको प्रणाम करते हुए वहां धूल लगा करके जाएगा, वो हनुमान जी है, अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगा ना तुमको राम मिल जाएंगे, इतने में सचमुच से वहां पर गए, कथा होने से पहले सबसे पहले एक व्यक्ति आया और सबसे पीछे एकदम रुग्ण शरीर, फटे फटे कपड़ा पहने हुए,
आकर के कथास्थली को कथा वाचकों को सबको प्रणाम करते हुए बैठे बैठी करके अरिघने जब कथा विश्राम हो गया गदगद होकर कथा सुने हनुमान जी जब कथा विश्राम हो गया सबको प्रणाम करते हुए स्थान को प्रणाम करते जब जा रहे थे ना इतने में तुलसीदास चरण पकड़ लिए बोले देखो तुमको वंचना करने के लिए कोशिश करना लेकिन वंचित नहीं होना और हनुमान जी जब चरण पकड़ लिए ना उसने कहा अरे मैं शूद्र में चरण पकड़ लिया तू अपवित्र हो गया छोड़ छोड़ मेरे शरीर में कुष्ठ है कूर है बोले मेरे को पता आप हनुमान जी हो मेरे ऊपर में कृपा करो जब वो उनको पता चला पहचान गए बोले बताओ क्या चाहते हो बोले राम लक्ष्मण का दर्शन बोले एक काम करो चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन की से तिलक दे रघुवीर इसलिए वहीं पर तुमको राम लक्ष्मण के दर्शन मिलेगा और उन्होंने हनुमान की कृपा से राम लक्ष्मण को दर्शन किया है इसलिए श्रोता कैसे बननी चाहिए कैसे बननी चाहिए हनुमान जैसे जब सिनेमा देखने जाते हैं आधा घंटा पहले जाएंगे और गंदी से गंदी पिक्चर होगा ना अगर टिकट नहीं मिला ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे और अपना बुद्धि को भ्रष्ट करते हुए सीधा नरक का रास्ता खाली करके घर में आते हैं सीधा धक्के मुके खा करके सीधा नरक का रास्ता बताओ गंदी सिनेमा ने किया है क्या उसमें सीखा है पूरा नरक का रास्ता उसमें खाली हो जाती है फिर करके हम घर में आएंगे पैसा खर्चा करके यहाँ पर बिना पैसा काटे आंदे लगाए प्रसाद और कब आते हैं कथा सुनने के लिए जब खत्म होने जाता है नहीं देखो हम और चार दिन रुकेंगे हम चाहते हैं आप कुछ देने के लिए हम चाहते हैं आपसे लेने के लिए नहीं हम संत हैं इसलिए हम इसलिए इतने कष्ट करके समझाने के लिए कोशिश करते हैं ये जीवन का क्या महत्व ठाकुर जीवन क्यों दिया ये जीवन पाकर क्या लाभ है आपको कुछ देना चाहते हैं हमको लेने नहीं आपको कुछ देना चाहते इसलिए कोशिश करो चार दिन ही बाकी है थोड़ी सी जल्दी जल्दी आओ बस कथा सुना और प्रसाद लेकर जाओ और कल भगवान जन्म ग्रहण करेंगे और बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हाँ अब ये प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे उसके बाद में प्रसाद लेकर जाना ठीक इनको जज कर एग्जिस्ट इनको जैसे कथा अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद सब बायस निकाल दो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बार सभी वापस से बोलिए जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कल हम लोग वाल्मीकि जी के विषय में श्रवण कर रहे थे ना दक्षिण रत्नाकर वो पहले थे और उन्होंने किस प्रकार भगवान का दर्शन किया किस प्रकार आने से पहले उन्होंने रामायण लिखी थी नारद जी से जब उनकी भेंट हुई थी तो नारद जी ने उनको कहा था भगवान राम का नाम लेने के लिए राम का नाम लेने के लिए कहा था ना लेकिन वो इतने पापी थे कि राम का नाम ही नहीं ले पा रहे थे लेकिन उनको मरा मरा उल्टा नाम कह के तब जाकर उन्होंने भगवान का नाम लिया कहते हैं पापी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता आप लोग यहाँ पर पापी बैठे हो ना पुण्य आत्मा हो देखो सिद्ध करके बताओ एक बार फिर से सब भगवान का नाम लो मेरे साथ साथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण कर रहे हैं और विशेष करके भगवान की विभिन्न लीलाएं भगवान के अनेक अनेक अवतार और उनके भक्तों का चरित्र इस ग्रंथ में वर्णन है गुरुदेव तो बड़ी चेष्टा कर रहे हैं सब लोगों को समझाने के लिए किस प्रकार ये मानव जीवन दुर्लभ है और इसका अवलंबन करके किस प्रकार हम भगवान का भजन करें भगवान का भजन करके और
परम धाम को प्राप्त करे। लेकिन आज के समय की ऐसी विडंबना हो गई है कि लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। भगवान जैसी कोई वस्तु भी होती है ऐसा लोग मानने को भी तैयार नहीं है, और जो लोग थोड़ा बहुत महानते भी हैं उनका भी मानना कैसा है, बस ऐसा ही। एक संत कभी किसी गांव में गए थे, वो संत उनका काम क्या था, वो लोगों को समझाते थे, जो लोग नास्तिक व्यक्ति थे उन्हें समझाते थे कि तुम भैया भगवान का भजन करो, भगवान की सत्ता है, भगवान को समझो, भगवान के तत्व को समझ के और भगवान का भजन करो। अभी वो संत जब गांव में आए, गांव में आते ही ऐसे ही ऊंचा सिंहासन उनको दिया, सामने आप जैसे ही श्रोता बैठे थे, तो उन संत ने प्रश्न किया कि यहाँ कौन कौन लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, आप बताओ यहाँ कौन कौन लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, हाथ उठाओ। वहां पर भी आप ही जैसे लोगों ने हाथ उठाया। तो संत ने कहा कि जब आप सभी लोग भगवान को मानते ही हैं तो फिर मेरी आवश्यकता ही क्या है। वो संत वहां से उठ के और चले गए। अभी सारे गांव वाले दुखी हो गए कि हम तो चाहते थे संत से कुछ प्रवचन सुनना, संत से हम सुने भगवान है कि नहीं या भगवान के विषय में कुछ हरि कथा सुनने की, लेकिन संत तो वहां से चले गए। अभी दूसरा दिन हुआ, सब वापस से साधु को बुलाया गया, बोले प्रभु आप वापस से आइए, आप हमें भगवान के अस्तित्व के विषय में कुछ बताइए। दूसरे दिन जब संत आए फिर से उन्होंने प्रश्न किया, बोले आपसे बताइए भगवान है कि नहीं, कौन कौन मानता है भगवान है कि नहीं। अब पिछले दिन क्या हुआ था, सभी ने हाथ उठाया तो संत चले गए थे, आज किसी ने हाथ नहीं उठाया, आज किसी ने हाथ नहीं उठाया। अभी संत वहां पर कहने लगे कि आप लोग यदि भगवान को मानते ही नहीं हैं, आप सबके सब नास्तिक हैं, अरे मैं ऐसे नास्तिक लोगों का संग ही नहीं करना चाहता। इसलिए क्या किया वो संत, उस दिन भी वहां से उठ के चले गए। अभी गांव वाले फिर दुखी हो गए, भैया मानो तो संत उठ के चले जाते हैं, ना मानो तो उठ के चले जाते हैं। गांव वालों ने दिमाग लगाया, क्या किया, दो भाग बना लिए। तीसरे दिन फिर संत को आमंत्रित किया, संत ऐसे ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। संत ने फिर से प्रश्न किया, बोले आप लोगों में से कौन कौन है जो भगवान को मानते हैं, हाथ उठाओ। अभी इस बार आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। संत ने कहा कि जो लोग भगवान को मानते हैं वो जो लोग नहीं मानते हैं उनको समझा दो और भगवान की सत्ता के विषय में बतला दो। ऐसा करके संत और तीसरे दिन भी चले गए। कहने का मतलब क्या है कि हमारा भगवान को मानना भी कुछ इसी प्रकार का ही है। हम भगवान को कब तक मानते हैं, जब हमारे ऊपर कोई दुख कष्ट आ गया। कल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है, सब जाएंगे भगवान के यहाँ पर नारियल चढ़ाएंगे, बच्चे स्पेशली। हम जब कॉलेज में थे, कॉलेज में पढ़ते वक्त जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा, भले ही पूरे साल भर भगवान के मंदिर की तरफ जाना ही ना हुआ हो, लेकिन रिजल्ट आने से पहले क्या करेंगे, भगवान के मंदिर पर जाएंगे, वहां पर प्रसाद चढ़ाएंगे। हे भगवान मेरा ये काम बना देना, आपके यहाँ इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। तो हमारा भगवान को मानना भी बिल्कुल कैसा है, ऐसा ही है। सिचुएशंस के आधार पर हम भगवान को मानते हैं, हमारी मनोधारणा बन चुकी है कि हाँ कोई कहे तो भगवान है, नहीं तो अरे नहीं नहीं, हम गीता वीता इन सबको नहीं मानते, हम तो 21वीं सदी के लोग हैं, कहाँ जहाँ साइंस का युग है वहां पर भगवान को, भगवान जिसको देखा नहीं कभी, जिसको कभी महसूस नहीं किया, उसे कैसे मान सकते हैं। लेकिन विचार करके यदि देखोगे तो हमारी तो बात ही छोड़ दो, हम तो सचमुच में इस विज्ञान के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी इस भगवान के तत्व को मानते हैं। आप देखो सब लोगों ने, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, देखो सब लोग आजकल मोबाइल फोन यूज करते हैं, अभी तो ये वायरलेस मोबाइल फोन आ गए हैं, लेकिन सबसे पहला जब फोन बना था ना, टेलीफोन, टेलीफोन किसने आविष्कार किया था, बच्चे लोग को किसी को पता हो जो स्कूल जाते हैं, ग्राम बेल, कौन बोला, बहुत बढ़िया प्रभु जी के सच में जीके बड़ी तेज है, सब इनके लिए तालियां बजाओ। आप देखो शुरू शुरू में जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, ग्राम बेल ने वो खोजा, है ना। आप देखो जो ट्रेन चलती है, ट्रेन के अंदर स्टीम इंजन लगा हुआ होता है, स्टीम इंजन किसने आविष्कार किया था, जेम्स वॉट, फिर से किस प्रभु जी ने बोला, तालियां बजाओ इनके लिए, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन आविष्कार किया। ऐसे ही आप देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी भी किसी ने खोज ना करी है, है ना। सब चीज जो आप देख रहे हो यहाँ पर, उसका कोई ना कोई क्रिएटर है। ऐसा ही नहीं होगा कि हठात कहीं से चीजें बन के आ गई। आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हैं वो चेयर भी किसी ना किसी ने बनाई होगी,
हाँ कि ना। आप देखो ये जो कालीन यहाँ पर बिछा हुआ है उसको भी किसी न किसी ने बुना होगा। हर एक वस्तु के पीछे उसका निर्माता है, एक क्रिएटर है कि नहीं। लेकिन आप अपने आसपास जरा विचार करके देखो, हम सवेरे सवेरे भगवान की पूजा करने के लिए जो एक पुष्प तोड़ते हैं, एक पुष्प के अंदर इतने सुंदर सुंदर कलर, इतने विविध रंग उसके अंदर, ऊपर से इतना सुंदर पराग, इतनी सुंदर सुगंध, क्या उसका कोई निर्माता नहीं होगा? उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। उसके अंदर ये सुगंध कहां से आई? हमें जो इतने सारे खाने को फल प्राप्त हो रहे हैं, कोई कड़वा, कोई खट्टा, कोई मीठा, सब में ये अलग अलग स्वाद आके किसने भर दिया? आप देखो एक तितली जो एक अपने कितनी हल्की होती है, वो तितली एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प पे किस प्रकार भ्रमण करती है। ऐसा सुंदर क्रिएचर आखिर बनाया किसने है? भगवान ने। निश्चित ही कोई ना कोई उसका निर्माता होगा ही। तो हमारी भगवान के ऊपर आस्था केवल मात्र सिचुएशन बेस्ड मत रखो, क्योंकि भगवान एक ऐसी वस्तु है जो सबका क्रिएटर है, जिसने ये सब चीज बनाई है। एक समय पर क्या हुआ था, न्यूटन ने बड़ा एक सुंदर मॉडल बनाया पृथ्वी का, जैसा यूनिवर्स है ना, पृथ्वी का बड़ा एक सुंदर मॉडल बनाया। उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ थे, वहां से झरने बह रहे हैं, एक सुंदर तालाब है, तालाब के आसपास काफी सारे पशु पक्षी वहां पर पानी पी रहे हैं, और हरी भरी झाड़ियां हैं वहां पे, फूल वृक्ष इत्यादि सब लदे हुए हैं। इतना सुंदर उसने मॉडल बनाया, मॉडल बना के और अपनी एग्जीबिशन के अंदर रख दिया। उसके और कई सारे साइंटिस्ट मित्र थे, वो सब मित्र आकर और जैसे उस मॉडल को देखा, बड़ी उसकी तारीफ करने लगे। बोले तुमने क्या बनाया है, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। न्यूटन उस समय पर कहने लगा कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, मैं तो कल रात में सो रहा था, अगले दिन मैंने सुबह उठ के जैसे देखा तो मुझे ये तैयार मिला। सब उसके दोस्त कहने लगे, बोले मजाक मत करो यार, इतना सुंदर मॉडल बिना किसी के बनाने से अपने आप ही बन गया। बोले नहीं नहीं सच में, मैं तो कल रात में सोया था, सुबह उठकर देखा तो मेरे को ऐसे ही प्रकट मिला। बोले तुम सच में मजाक कर रहे हो ना हमारे साथ? नहीं मैं सच बात कह रहा हूँ। जब उसके दोस्तों ने काफी इनसे कहा, तब जाकर उन्होंने समझाने की चेष्टा करी कि देखो ये एक साधारण पृथ्वी का मॉडल मैंने बनाया है, उसके लिए तुम कह रहे हो कि ये बिना किसी क्रिएटर के हो नहीं सकता, तो साक्षात ये पूरी पृथ्वी, साक्षात ही पूरा ब्रह्मांड, क्या इसका कोई रचयिता तो नहीं होगा? कभी भी आपने देखा हो सूर्य सब समय तो पूर्व से उदित होता है, कभी ऐसा देखा हो कि सूर्य आज पश्चिम से निकला हो? पश्चिम से कभी सूर्य निकलता है? प्रतिदिन हर एक फिक्स समय पर सूर्य हमेशा पूर्व से उदित हो रहा है और पश्चिम में ढल जा रहा है। चंद्रमा इसी प्रकार प्रत्येक दिन उदय होता है। चंद्रमा की कलाएं एक एक दिन बढ़ती है और एक एक दिन फिर घटती है, पूर्णिमा तक बढ़ती है और उसके बाद में फिर अमावस्या तक घटने लग जाती है। ऐसा पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर आखिर बनाया किसने है? ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पृथ्वी किस प्रकार घूम रही है, घूमने से किस प्रकार दिन होता है, रात होता है, ये इतना नियंत्रित पूरा मंडल किसने आखिर बनाया है? इसका कोई ना कोई रचिया तो अवश्य होगा ही ना। हम सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलते वक्त गाड़ी में क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, है ना, बाईं तरफ चलते हैं, रेड लाइट अगर लाल हो तो फिर रुक जाते हैं, अगर हरी हो तो फिर हम चलने लगते हैं। अरे ये सारे रूल्स तो हमारी सरकार ने बनाए हैं ना, किसी ने, अपने आप ही तो ये रूल्स बन नहीं गए। तो ऐसे ही इस सृष्टि के जो सारे नियम हैं, उन सृष्टि के नियमों का निर्माता भी तो कोई होगा, या ये अपने आप ही चल रहा है? निश्चित ही कोई निर्माता है, निश्चित ही कोई नियामक है यहाँ पर। इसीलिए भगवान की सत्ता पर केवल मात्र अंधविश्वास के रूप में नहीं हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि वो ही सबके क्रिएटर है, वो ही सबके लॉ मेकर है। भगवान ने ही सब चीज बनाया है और हम नहीं, काफी सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं, है ना। तो मोटा मोटी अगर भगवान की सत्ता को नहीं मानोगे तो क्या होगा, हम एक नमक हराम कहलाए जाएंगे। एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करो, भगवान किस प्रकार, एक भिखारी था, एक भिखारी कभी रास्ते में जा रहा था, है ना, और भिखारी ने रास्ते चलते हुए उससे किसी सेठ से भीख मांगी, तो सेठ जी उससे कहने लगे कि तुम तो दिखने में हष्टपुष्ट लगते हो और सड़क पे भीख मांग रहे हो, क्या विचार है, कहीं कमा के खा नहीं सकते? तो भिखारी ने कहा कि देखो प्रभु, मैं बड़ी चेष्टा करता हूँ कुछ काम धंधा करने की, बिजनेस करने की, लेकिन कभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली भीख मांग रहा हूँ। सेठ जी ने उससे क्या कहा कि मैं तुम्हें एक अपने बिजनेस की ओनरशिप दे दूंगा,
अपने बिजनेस में तुम्हें पार्टनर बना दूंगा, जो भी मैं बिजनेस करता हूँ उसके अंदर 50% तुम्हारा 50% मेरा। अब जैसे भिखारी ने यह बात सुनी वो तो बड़ा खुश हो गया। अरे रस्ते चलते भिखारी को यदि कोई 50% का पार्टनरशिप दे दे तो कितनी भारी बात होगी उसके लिए, तो बड़ा खुश हो गया। बोले आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें 50% नहीं मैं तुम्हें 90% पार्टनरशिप दूंगा, केवल 10% मेरा है ना। अभी डील फाइनल हो गई। ये भिखारी भी बड़ी मेहनत करके उसके बिजनेस को संभालने लगा। महीने का अंत जब हुआ इन लोगों की डील हुई थी, सेठ जी ने कहा कि महीने के अंत में बस तुम 10% जो मुनाफा होगा मुझे दे देना, बाकी जो भी मुनाफा होगा तुम्हारा। जैसे ही पहला महीना खत्म हुआ सेठ जी इंतजार कर रहे थे कि अभी 10% मुनाफा आएगा, लेकिन भिखारी कुछ भी लेकर नहीं आया। सेठ जी दुखी हो गए, सोच रहे थे हो सकता है काम में व्यस्त होगा इसलिए आया नहीं। दूसरे महीना हुआ, दूसरे महीने में सोच रहे थे सेठ जी की पहले महीने का और दूसरे महीने का दोनों को मिला के 20% आएगा। अभी दूसरा महीना निकल गया, दूसरे महीने में भी कुछ नहीं लेकर आया। सेठ जी सोच रहे चलो तीसरा महीना, तीसरे महीने 20% की आशा से बैठे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा करते 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 6 महीने निकल गए। सेठ जी ने सोचा कहीं ऐसे तो नहीं कि भिखारी मरमुरा गया हो, जाकर देख तो लूं। तो जब सेठ जी उसकी खोज खबर लेने के लिए आए, देखा उस भिखारी ने बड़ा सुंदर बिजनेस को चला रहा है, बहुत आलीशान घर बना लिया, घर के बाहर गाड़ियां खड़ी है। और जैसे ही घर में घुसे उसके साथ साक्षात्कार हुआ, पूछा कि तुम मुझे जानते हो? बोले हाँ आपको कहीं देखा तो है। कौन बोल रहा है? भिखारी बोल रहा है सेठ जी को। बोले आपको कहीं देखा तो है? बोले मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें बिजनेस की ओनरशिप दी थी, जिसने तुम्हें अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दी थी, मैं वही आदमी हूँ। बोले अच्छा हाँ 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 याद आ गया। बोले हमारी डील हुई थी कि तुम महीने के अंत में 10% मुनाफा मुझे दोगे, 6 महीने हो गए तुम तो कुछ लेकर ही नहीं आए। उस समय पर भिखारी उनसे बोलता है कि कौन सा 10%, कौन सी डील? अरे पूरे समय मेहनत तो मैं करूं और महीने के अंत में 10% तुम्हें दे दूं, बताओ आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? बताओ ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? धोखेबाज, गाली दोगे ना, धोखेबाज, नमक हराम। आप विचार करके देखो हम लोग भी वैसे ही धोखेबाज हैं, क्योंकि हमें सब चीज प्रदान करने वाला कौन है? वही भगवान, वही नियामक, वही क्रिएटर, उसी ने हमें सब चीज प्रदान करी है। आप देखो जन्म से अब तक हमें सब चीज प्रोवाइड करने वाला एकमात्र भगवान है। हमें ये दया करके मनुष्य जीवन किसने दिया? भगवान ने दिया ना। अगर वो चाहता तो हमें गधा बनाता, कुत्ता बनाता, जानवर कुछ बना देता जिसके अंदर हम बड़े पीड़ित रहते। वो चाहता तो हमें लूला लंगड़ा बना देता, लेकिन हमें समृद्ध बनाया है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान ने हमको ये सब चीज प्रदान करी। आप देखो हॉस्पिटल में अभी कोरोना के समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे बिके थे, याद है कि नहीं? है ना, हम लोग के गुरुदेव के पास में तो काफी सारे लोग आकर बतला रहे थे केवल मात्र ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अथा पैसा था लेकिन फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिला नहीं, मृत्यु हो गई। आप विचार करके देखो पैदा हुए हो जब से लेकर अब तक हमारी नाक के पास में ऑक्सीजन रखी हुई है, कभी भगवान ने कुछ पैसा मांगा है? किस किस के पास बिल भेजा है हाथ उठाओ तो। भगवान ने तो कोई बिल भेजा नहीं, हमको दिया तो दिया ही दिया है। आप देखो ये बिजली की जो लाइट जल रही है इस लाइट के लिए बिल भरना पड़ता है, महीने के अंत में बिल देना पड़ता है ना। लेकिन दिन में जो सूर्य की रोशनी मिलती है उस सूर्य की रोशनी के लिए कितने लोगों ने बिल दिया है? कोई बिल नहीं दिया। भगवान ने हमें इतना सुंदर सुंदर खाने की वस्तुएं, इतना सुंदर सुंदर पहनने को, सब चीज तो भगवान ने हमें दिया ही है, लेकिन हमने उनके लिए आखिर किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम वैसे ही नमक हरामी हैं। सूरदास जी बड़े एक सुंदर पद में लिखते हैं, जिनी तन देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलखामी। अरे हमारे जैसा कुटिल, हमारे जैसा नमक हराम आखिर होगा कौन कि जिसने हमें सब चीज प्रदान करी हम उसे ही भूल के बैठ गए। मातृगर्भ में जब एक जीव जाता है उस समय पर भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ से बाहर निकल के मैं आपका ही केवल मात्र भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है उस वादे को भूल जाता है। जैसी डील हुई थी ना बिजनेसमैन और भिखारी के बीच में 10% की,
वैसा ही हम भी डील करके आते हैं भगवान से कि हे प्रभु हमें यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन हम बाहर आके सब भूल जाते हैं, सारी डील गई चूल्हे में और रम जाते हैं इसी संसार में। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? 10% पैसा नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं हमसे 10% समय। आप देखो 24 घंटे में जो कुछ काम करना हो करो, लेकिन कुछ समय भगवान के भजन के लिए निकालो, कुछ समय भगवान के भजन के लिए निकालो। और कलयुग में तो विशेष आप 24 घंटे का अगर 10% निकालोगे, 2 घंटा कुछ समय होता है। अरे 2 घंटा यदि ना दे सको, कम से कम आधे घंटे से आरंभ तो करो, आधे घंटे से आरंभ तो करो, आरंभ करके धीरे 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 बढ़ाओ। और विशेष करके मानव को ही एकमात्र ये सुयोग मिला है भगवान का भजन करने का। आप देखो किसी कुत्ते को बोलो रामकृष्ण नाम लेने के लिए, क्या वो उच्चारण कर पाएगा? भगवान ने हमें दया करके ये मनुष्य जीवन दिया, हमें जानवरों से भिन्न बनाया, हमें जानवरों से ज्यादा बुद्धि दी ताकि हम भगवान का भजन कर सके। ये सारे दुख जो हम भोग कर रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, तब किसी न किसी माध्यम से दुखी है, किसी न किसी प्रकार से दुखी है। लेकिन जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। गोस्वामी जी डिक्लेयर करके कह देते हैं, इसलिए क्या करो, मनुष्य जीवन यदि प्राप्त हुआ है तो नमक हरामी ना करके भगवान के लिए 10% निकालो, समय दो, और समय लेकर क्या करो, भगवान का भजन करो। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माला लेकर के ये जो हरे कृष्ण नाम जप करते हैं ना, थोड़ी समय ये हरे कृष्ण नाम को जप करो। ये कलयुग का ये महामंत्र है, ये हरे मतलब होता है हमारे जो दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरे। कृष्ण मतलब होता है हमारे मन बड़ा चंचल है, मन इधर उधर भटकता है, प्रभु के मन में भजन नहीं, भजन में मन नहीं लगती, मन कभी कभी अशांत रहता है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, सुना मतलब आनंद देना। अगर कृष्णा नाम करोगे ना, ये भटक तो ये मन और नहीं भटकेगा, मन को शांति मिलेगी। राम मतलब क्या, जीवन में हमें जो आराम देते हैं, जीवन में आराम देते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। ये महामंत्र में तीनों नाम है, ये जो हरे कृष्णा, बोलो मेरे साथ में सबके सब, हरे कृष्णा, हाथ उठाओ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो जोर करके, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, चरणों से लेकर के मुकुट तक। आइए चुंदरी अनूप रंग, ये तो श्याम रंग
अनूठी उपमा सब झूठी राधा सोने की अंगूठी कृष्ण नीलम नगीना है जोड़ी We'll be right back.